सदमार्ग बताने हो यही बताने वाला श्री राम यही जगत यही राम जगत मही माती आरती पापियों को पाप से तारती यह भक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला सब ज्योति जगदे वाला अमर पंथ यह भक्ति पंथ पंचम वेद निराला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम हरि ध्यान जग मंगल की आरती पापियों को पाप से हटाए संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटाती Thank you.
बिहारी लाल की जय। श्रीमद भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। हरे कृष्णा बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी ने बताए बोले जितने वेद जितने पुराण जितने उपनिषद यहाँ तक भी जो बड़े बड़े ऋषि लोग और यहाँ तक भी जो लोग माया से संपूर्ण रूप में दुनिया से मुक्त हो गए और सबके सब एक ही बात बताए बोले भगवान की कीर्तन से भगवान की नाम से ही जीव का कल्याण होता है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नरा उतर ही पा रहा। इसलिए भगवान के नाम से ही कल्याण होने वाले और कोई कलयुग में उपाय नहीं। इसलिए सबने सब एक बार हाथ उठा कर बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैसे वृंदावन बिहारी लाल की। अभी ये प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाए फिर और हमारे और भी छोटे प्रभु जी कुछ सुनाए। चेतन ओम ज्ञान दिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो सर्वप्रथम मध्य गुरुदेव ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर सर्वश्रेष्ठ भक्ति वेदांत सुदर्शन गुरु महाराज जी के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणिपात ज्ञापन करते हुए उनकी कृष्ण कृपा शक्ति की अभिलाषा करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु गौड़ीय परंपरा के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके भी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों के चरणों में दास की दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की तृतीय दिवस आज कल हम गुरु महाराज जी के मुखारविंद से श्री हरिनाम की जो महिमा है क्यों हरिनाम की महिमा हमने श्रवण किया क्योंकि जो सार वस्तु है उसको ग्रहण करने में से ही जीव के कल्याण है। जितने बड़े बड़े महाजन हुए जितने बड़े बड़े संत हुए केवल हमको सिद्धांत ही दिया और उस सारे सिद्धांत के भी जो सिद्धांत है जो सार के भी सार है जो रस के भी रस है वो श्री हरिनाम के माध्यम से इस कलयुग में अवतरित हुए हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम हमारे जीवन में अगर हरिनाम उतर आते हैं हरिनाम के महत्व को हम समझ जाते हैं तो फिर हमारे भागवत श्रवण करना सार्थक हुआ हमारे संत दर्शन सार्थक हुआ हमारे ठाकुर जी के चरण में रति हुआ ये जान सकते हैं। तो एक बार मैथिली में जनक महाराज जी के दरबार पे एक ऋषि आए तो सारे मंत्री पार्षदगण वहीं बैठे हुए थे सभा चल रहा था तो वो ऋषि आए पधारे और वो ऋषि का नाम था अष्टवक्र ऋषि। क्या नाम था? अष्टवक्र। माने क्या जानते हैं? वे ऋषि जिनकी शरीर में आठ जगह पे वे टेढ़े थे आठ जगह पे तो इसलिए उनका नाम था अष्टवक्र ऋषि। जब वो भगवान के नाम को लेते हुए उनके दरबार पे पहुंचे तो इतने में सारे जितने भी उनके जनक महाराज की जो मंत्री लोग थे जितने उनके सभासद थे सारे हंसने लगे क्योंकि जब वे चलते थे चलने के साथ ही साथ लगता था ऐसा कि जैसे वे डांस कर रहे हैं
क्योंकि आठ जगह पे टेढ़ है, तो स्वतः सबके मुंह से हंसी निकल आया। और कई तो ऐसे ऐसे लोग थे जो देख करके जोर जोर से और भी हंसने लगे। तो जनक महाराज जी को तो ये सहन नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने चुप रहा कि शायद ऋषि इन लोगों को कुछ क्षमा कर दे। परंतु सारे हंसी जा रहे थे, इसको देख करके जो अष्टपत्र ऋषि थे वे भी हंसने लगे, एक दूसरे को देख करके हंस रहे हैं। सारे लोग अष्टपत्र ऋषि को देख कर आके हंस रहे हैं, और यहाँ पे उल्टा क्या हो गया, ऋषि को क्या क्रोध आना था और ऋषि भी उनको देख करके हंसने लगे। जब ऋषि ने हंसने लगे तो सभी जितने भी लोग थे उनमें से कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ बोला कि हे महात्मा आप हंस क्यों रहे। तो बोले कि आप लोग क्यों हंस रहे हो। बोले हम तो आपको देख के हंस रहे हैं। बोले मैं भी आपको देख के हंस रहा हूं, ये कैसी बात हुई, हमें क्या कमी है, हम तो राजे के मंत्री हैं, पर आपको तो जरा देखो। तो उनने बोले कि हाँ मुझे भी इसलिए हंसी आ रही है कि मैं आप लोगों को देख के हंस रहा हूं कि मेरे जैसे आत्मज्ञानी जो आत्मा में रमण करते हैं, जो भगवान के भजन में लिप्त रहते हैं, ऐसी आत्मज्ञानी आज कौन सी मोची की सभा में आ गया, मोची की सभा में आ गया। आपको देख, आप देख नहीं रहे हैं साक्षात सामने कौन खड़े हैं, कौन बैठे हैं, जनक महाराज। जनक महाराज के लिए एक श्लोक आता है, जनक महाराज जी जो हैं ये राम जी के बड़े प्यारे भक्त हैं, और ये जो महाजन है जहां पे सारे महाजन निवास करते हैं उनके साथ ये भी रहते हैं। तो जनक महाराज जी जो महाजनों में आते हैं, तो ऐसे जनक महाराज जहां पे महाजन हैं और आप कह रहे हो कि मोची की सभा में आ गए हम, आपको किस दृष्टिकोण से लगा कि आप सचमुच मोची की सभा में आ गए। बोले और नहीं तो क्या, आप लोग मुझे देख के हंस रहे हो इसलिए क्योंकि मेरा शरीर पे आठ जगह टेढ़ा है। ठीक है, मेरे शरीर में आठ जगह टेढ़ा है, तो ये क्या है, ये मेरा शरीर है यानी कि चमड़े से जो चीज बनी हुई है, और मोची की देखना आप, मोची की चीज लक्ष्य करना, ये मोची कोई भी काम करता है ना हमेशा उसका जो काम करता है ना उसी में ही वो रहता है। कैसे मैं उस चमड़े को काटू, कैसे वो चमड़े से मैं बढ़िया चप्पल बनाऊ, है ना, और जो चमड़े से जो चीज बनी हुई होती है उसको मैं कैसे बनाऊ, हर समय उसका वही लक्ष्य रहता है। तो आप कितना भी बड़े बड़े बात कर लो, परंतु आप सभी लोगों का लक्ष्य कहाँ पर है, चमड़े में ही है। इसीलिए मेरा जो चमड़ा है ये चमड़े को देख करके आप लोग हंसा। तो बोले हाँ ये बात तो ठीक है। तो इतने में तुरंत जनक महाराज जी आए और ऋषि के चरण में गिर गए। बोले कि जिस राज्य में प्रजा में विश्रृंखल होता है, यानी कि उस राज्य में राजा की सबसे बड़ी गलती है, और प्रजा कहीं और नहीं, मेरे सामने वो प्रजा और इतने महान संत जानते हुए भी आपके ऊपर हंस दिया, यानी कि इसका जो ये जो कुकर्म हुआ इसका फल मेरे ऊपर ही जाता है। इसलिए बड़े ही नम्र निवेदन किया कि हे महाराज आप हमें बचाओ, सभी लोगों को बचाओ, मुझे आप त्राण करो। तो इस बात को सुन करके ऋषि तो हो महान संत थे, उन्होंने क्या किया, सबको सम्मान दिया और सबको क्षमा भी कर दिया। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं ये जो आजकल हम जितने भी जो कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, लौकिक जितने भी क्रियाएं कर रहे हैं, जाना आना, खाना, कपड़े सुखाना, धोना, और ऑफिस में जाना, ऑफिस से आना, बच्चों के लिए शॉपिंग करना, घर परिवार को देखना, सब कुछ किस लिए हो रहा है, ये सब कुछ हमारे शरीर के लिए हो रहा है। देखो आप अगर व्रत रखते होंगे, आप लोग तो आपको पता होगा कि व्रत कितना कठिन होता है। जब एक दिन सवेरे से शाम तक कुछ ना खाओ ना तो मुंह पे उदासपन आ जाता है, कैसा लगता है, हमेशा वही चीज याद आती है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अगर हम शरीर को एक दंड भी रोटी नहीं देते हैं तो शरीर मुरझा जाती है। आप एक बात बताओ, एक गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो वो जो अंदर जो ड्राइवर था, ड्राइवर बेहोश पड़ा है, और सभी लोग वहां पे गए और तुरंत उस गाड़ी को लेकर के जा रहे हैं कि तुरंत इस गाड़ी को, क्योंकि उसकी शीशा टूट गया और इसकी पहिया बाहर आ गया, इसको जल्दी से लेके गैरेज पहुंचाओ नहीं तो गाड़ी की बड़ी गाड़ी लॉस हो जाएगी। कोई ये बोलता है या ये बोलता है कि तुरंत उस अंदर जो ड्राइवर है,
जो अचेत पड़ा हुआ है उसको लेकर के तुरंत एम्बुलेंस को बुलाओ और एम्बुलेंस में लेकर के उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। क्या बोलते हैं, ड्राइवर की बात बोलते हैं या गाड़ी की बात? ड्राइवर की बात बोलते हैं। क्यों, क्या कारण है? हैं, यहाँ पे गाड़ी की कोई मूल्य नहीं है, करोड़ रुपए की गाड़ी होती है, लाखों रुपए की गाड़ी होती है, गाड़ी की कोई कीमत नहीं, ड्राइवर की कीमत है। ये चमड़ी को तो हम लेके जला भी देते हैं, ये गाड़ी को हम जला देते हैं, गाड़ी को तो कबाड़ की रेंट में बेच देते हैं, पर एक बार हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो उसको तो कोई कोई गैरेज में नहीं ले गए, पुराने दाम में तो बेच नहीं देते हैं। तो क्या कारण है? कारण है इसके अंदर जो चीज बैठा हुआ है, जो भगवान की नित्य शाश्वत अंश है। अगर हमने शरीर के लिए सब कुछ करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इसके अंदर बैठा हुआ उस चीज को पहचाने, जो तुरंत उसी समय हमको उसकी महत्वता को हम देख सकते हैं कि तुरंत अगर कुछ हो जाए, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, तुरंत ड्राइवर को लेके हम हॉस्पिटल पहुंचे, ना कि गाड़ी को। तो एक बार एक बूढ़ी ने क्या किया, गया एक बाजार में, गया बाजार में एक पिंजरा खरीदा और उस पिंजरे में रखेगा क्या, तोता रखेगा। तो पास में दुकान था, वही दुकान है, तो उस दुकान से तोता भी खरीदा। अब उसने सामान दे दिया, उसको पिंजरा भी दे दिया और तोता भी दे दिया। बूढ़ी औरत ने उसको लेके आई और अपने घर पे रखी और बड़े यत्न से पहले तो तोता को अंदर किया और उसको रोज रोज क्या करता है, अब उसके लिए पॉलिश करता है, बढ़िया पेंट करता है, उसमें फूल की झड़ी लगाती है ना, बहुत सुंदर सुंदर उसके लिए व्यवस्था करती है ना। कुछ दिन बाद क्या हुआ, देखा कि तोता तो मर गया। अब क्या होता है कि वो तो इतना सब कुछ किया था तोता के लिए, अब तोता ही मर गया। उसको उठाया और तुरंत वो पिंजरे के साथ उस तोता को लेकर के दुकान में पछाड़ दिया कि ले भाई तेरा और मेरा पैसा वापस कर। क्यों, मरा हुआ तोता को लेकर के मैं पैसा कैसे दूं? तो बोलते हैं कि क्यों, क्यों क्या, जब मैंने लिया तब तो तोता जिंदा था, अब मर गया। बोला कि क्यों, ये मरा कैसे है, तुमने इसके लिए क्या किया? बोला इसके लिए क्या, मैंने इसके लिए पिंजरा के लिए मैंने रोज रोज गोल्ड पॉलिश करवाता था, मैंने रोज रोज इसके लिए फूल की झड़ियां लगवाता था। तो दुकानदार ने बोला तुमने तोता को कुछ खाने के लिए दिया था? बोला कि नहीं, मैं तो तोता को कुछ खाने के लिए नहीं दिया था। ले भाई, तोता को कुछ खाने के लिए नहीं देगी तो क्या पिंजरे को खाने के लिए देने से सब कुछ हो जाएगा? तो जब इस बात को बोला कि हाँ वास्तव में तोता को तो कुछ खाना देना चाहिए था, ये तो मैंने भूल गया। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में सुबेरे से लेकर रात को सोने तक हर क्रिया शरीर के लिए होता है, ना कि आत्मा के लिए। जैसे शरीर भी एक ना एक दिन मर ही जाएगा है ना, और मरने के साथ साथ हम रोते हैं। तो वही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू किस लिए रोता है? कि मेरे परिवार के लिए रोता है? कि तुम्हारे परिवार को जो तुम रोते हो, क्या तुम उसको बचा पाते हो? तुमने भी पिछले जन्म से किसको छोड़ गया है? तुम्हारे जो पिछले जन्म में माता पिता थे अर्जुन, क्या तुम अभी उनको जानते हो? नहीं जानता हूँ। क्या तुम उनके लिए रोते हो? नहीं रोता हूँ। तो ऐसे ही तुम जिनके लिए रोते हो, क्या तुम वे तुम्हारे लिए रोते हैं? नहीं रोते हैं। बोलो तो पांडव कहाँ गए? अगर वे रोते क्या तुम्हारे पास नहीं आते? बात तो सही है। और तो और बात छोड़ो, ये शरीर में भी हमारा सारा सब कुछ खत्म हो जाता है। एक मनुष्य शरीर जब छोटे से लेकर बड़ा होता है, बड़ा से बूढ़ा होता है, बूढ़े में मर जाता है। अब हम कहते हैं कि वो मर गया, परंतु गीता में कृष्ण यही बात को कह रहे हैं कि हर क्षण हर पल एक शरीर ही मरता है। और हमारे जो ये साइंटिस्ट लोग हैं, जो डॉक्टर लोग भी क्या कहते हैं कि हर 10 साल के अंदर अंदर हमारे करीब 72 न्यूरॉन सेल्स होते हैं, जो सारा सब कुछ सेल्स मर जाते हैं 10 साल के अंदर अंदर, एक शरीर खत्म। जो बचपन का शरीर था अब है वो शरीर, अब जो शरीर है बुढ़ापे में 20 साल बाद क्या वही शरीर रहेगा? तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम किस लिए रोते हो? इसी जन्म में भी तुम्हारा मृत्यु हो रही है, परंतु सबसे बड़ा फायदा क्या है? उस मृत्यु के बारे में मत सोचो, सोचो उसके लिए जो नहीं मरता है। फिर बोलते हैं कौन नहीं मरता है? बोलते हैं कि अजो नित्य शाश्वतम पुराणो न हन्यते न मान्य शरीरे, कि जो उस शरीर में जो अजो नित्य शाश्वत पुराणो, जो नहीं मरता है, जिसका क्षय नहीं होता है, जिसका विनाश नहीं होता है, जो अजर अमर है,
वो है आत्मा। तो आत्मा की भी खुराक होती है, जैसे हम शरीर के लिए कुछ खाने के लिए देते हैं, सुबह से बाजार करने जाते हैं, मंडी से अच्छा अच्छा चीज लाते हैं, पालक लाते हैं, पालक पनीर बनाते हैं, पालक के पराठे बनाते हैं, है ना, राजमा बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, बढ़िया से बढ़िया खिलाते हैं। तो वैसे ही अगर शरीर को तो खिलाए, परंतु इस शरीर का एक नियम है, कितना भी खिलाओ जो खाएगा उसको भी मार देगा और खुद भी मर जाएगा। आप एक बात बताओ, आपने पालक पनीर खाई या नहीं खाए, हाथ उठाना, कौन कौन खाए, अरे सभी खाए। और एक बात बताओ, वो पालक पनीर आप देना फिर से, जो खाया था है आपके पास, क्यों मर गया? तो यही वहां पे कह रहे हैं कि जो खाता है वो पच जाता है, अंदर जो जठराग्नि होता है वो उसको पचा के बाहर निकल देता है, और ये शरीर भी मर जाता है, परंतु एक चीज नहीं मरता। क्या नहीं मरता? जो आत्मा को देते हैं। अब वो क्या है? वो है हरि नाम। तो इसीलिए सभी लोग बोलते हैं हम यहाँ पे भागवतम में आए, भागवतम में बैठे, और यहाँ पे भागवतम श्रवण करने की जो हम इच्छा लेकर के आए हैं, तो इससे हमको कुछ मिलेगा। बोलते हैं गुरु महाराज जी बताए ना कि ये भागवत सब कुछ दे सकते हैं। परसों ही बता रहे थे ये भागवत को कल्प वृक्ष बोला गया। अब वो कल्प वृक्ष कैसा है कि वैसे जो राजा वाला स्टोरी बताया था कि राजा आता है वहां पे बैठता है, बोलता है कि मैं बड़ा थक गया हूँ, मुझे अगर मैं अगर राजमहल में होता तो मुझे मेरे अफसरिया जो है, मेरे जो राज रानियां हैं, मुझे बड़े यत्न से पानी पिला दे। सोचने मात्र से ही सुंदर सुंदर अफसरिया आ गए, उसको जूस पिला दी, उसके बाद उनको खाना भी खिला दिए। तो ये भागवतम कल्प वृक्ष है, सब कुछ दे सकते हैं, परंतु एक सबसे बड़ा वस्तु दे सकते हैं। आप बताओ तो सबसे बड़ा वस्तु इस दुनिया में क्या है? क्या है? हैं? भगवान है? परंतु नहीं, यही तो है। भागवतम कहते हैं कि भगवान से भी बड़ा एक कोई वस्तु है। क्या है? हरि से बड़ा कैसे? देखो हनुमान जी जिस समय शत्रुबंध बन रहा था, उस समय वहां पे कौन थे? सारे बानर थे, और कौन थे? हनुमान जी थे। तो वहां पे कैसे बने? सागर जी ने उठे और बोले कि प्रभु आप मेरे ऊपर जो बाण चला रहे हो इससे तो मैं पूरा मरुभूमि बन जाऊंगा, है ना, तो आप एक काम करो प्रभु, हमारे मन से कुछ क्षय मत करो, आप जो भी फेंकोगे ना, जो पत्थर फेंकोगे वो पत्थर तैरने लग जाएगा, और उस तैरते हुए पत्थर पे आप एक सेतुबंध बांध सकते हो, जो लंका तक बांध सकते हो और लंका तक आसानी से पहुंच सकते हो, आपकी पूरी बानर सेना वहां पे जा सकता है। तो राम जी ने क्या किया, उठाए पत्थर, सारे पत्थर इकट्ठा हो गया, पत्थर उठाए और फेंके, पहला फेंका तो डूब गया, अब फिर दूसरा फेंका डूब गया। अब महाराज बड़ा चिंतित है, करें तो क्या करें, तो हुए क्या करें, पीछे जो हनुमान जी थे एक पेड़ के ऊपर लटक के हंस रहे। तो इतने में राम जी ने देखा कि भाई कोई सामने तो नहीं है, जब देखा पीछे हनुमान जी लटक रहे और हंस रहे, ताली बजा के बोले कि हनुमान इधर आओ। हनुमान जी आए, बोले तुम मेरे क्रिया को देख के हंस रहे हो? बोले प्रभु आप तो मेरे प्रभु हो, जब मैं आपके हर समय आपके आदर कर आपकी भक्ति करता हूँ, कि आप उपहास करने की इतनी बड़ी क्षमता मैं रख सकता हूँ? तो बोले बात तो सही है, तो अब किस लिए तुम हंस रहे हो? दोनों ने बोले कि देखो प्रभु, एक कोई वस्तु चाहे वो पत्थर भी क्यों ना हो, जब आप फेंकते हो मतलब आप अपने से दूर कर देते हो, वो इस भवसागर में डूब जाता है। जैसे एक पत्थर को आपने फेंका और वो पत्थर पानी में डूब गया। फिर बोले कि क्या क्या करा जाए, तो उसमें जो नल और नील थे उन्होंने क्या किया, राम जी के नाम लिखा, हनुमान जी ने राम जी के नाम लिखा पत्थर में और उसको फेंका। देखा कि अब तो कमाल हो गया, पत्थर भी तैर रहा है। ये जो फिजिक्स की लॉ है ना, ये जो दुनिया की जो रसायन विज्ञान की जो लॉ है, इसको भी फेल कर दिया। बोले कि देख लिया प्रभु आपके नाम में कितना शक्ति है, जो आप अपने से दूर करते हो, आपने ही तो स्पर्श किया था परंतु वो डूब गया, परंतु वही चीज आपके नाम में इतनी शक्ति है, वो डूबने वाला चीज को भी तैरा देता है। तो यानी कि आपसे ज्यादा आपकी हरिनाम में ज्यादा शक्ति है तो, और आप और आपके नाम अभिन्न है, परंतु होते हुए भी आपके नाम की इतनी महिमा है, आप साक्षात देख लो। तो इस बात को जब श्री भगवान जी ने देखा और बड़े ही आमोद लिया, और सबको फिर उसी दिन से इस जगत में प्रचार हो गया कि हरि से बड़ा हरि का, प्रभु से बड़ा
बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम हरे हरे, गौर प्रेमानंद हरे हरे। अब कोई ताली नहीं बजे, आप लोगों का रसिक नहीं है, जो खुश होते हैं ना वो ताली बजाते हैं, लेकिन यहाँ की बिल्कुल बड़ी कंजूसी आ जाती है। ओ मैं ज्ञान तिमिराम दस ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हाथ उठाकर बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। ये भी कुछ हरिनाम गुवा रहे हरे कृष्ण। ओ मज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पत्नी परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोदर्श क्रीडली स्वामी शिशु भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरुपाद पत्न श्रीपाद परमेश्वर गुरु के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरि बोल हरे कृष्ण। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो मृदंग बजाते हैं कथा क्या सुनाएगा, है ना। वास्तव में मुझे कुछ बोलना नहीं आता, मैं बस गुरुदेव से जो श्रवण किया है वो आपको सुना बोल बताने की कोशिश करूंगा। जैसे अभी हमारे प्रभु जी ने बताया कि नाम, आप लोगों ने खुद बोला कि नाम क्या है, भगवान से भी बड़ा है। अभी यहाँ पे कितने लोगों ने हरिनाम लिया हुआ और कितने लोग हरिनाम करते हैं, बहुत बढ़िया। पांच प्राणी बताए जाते हैं। जैसे अभी प्रश्न है कि अगर आप लोगों की, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर जो लोग करते हैं वो तो अच्छी बात है और जो नहीं करते, एक बार वो हाथ उठाना, दो तीन, तो ना करने वाले की संख्या कम है। तो ये बात उनके लिए जो नहीं करते, अगर ये बात उनके लिए जो नहीं करते, क्योंकि जो करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो तो अच्छा ही है। तो ऐसा ना हो, मैं ये नहीं कह रहा आपके साथ ऐसा हो, ऐसे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं। अगर आपकी एक किडनी खराब हो जाए और आपको एक ही, दोनों ही खराब हो, क्योंकि एक को तो जिंदा रह सकता है दोनों, और डॉक्टर बोले कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, बिना किडनी ट्रांसप्लांट के आप नहीं रह सकते, और कोई आपका फैमिली मेंबर, आपका फ्रेंड जिसको आप ट्रस्ट करते हो कि हाँ भैया इस बंदे से मांगने से मुझे ये अपनी किडनी दे देगा, वैसे बहुत कम ही चांसेस है कि कोई अपनी किडनी दे दे। ऐसा कोई है जो आपकी फैमिली में आपको किडनी दे देगा? माता जी मना करी करी, कोई है ही नहीं। फिर भी कोई चलो है जिसने दे दिया, तो आप लोग उसके लिए पूरी जिंदगी कैसा फील करोगे, कोई बताएगा? उसका मतलब एहसान मानेंगे कि इसने हमारी जिंदगी बचा ली, इसने अपनी ये किडनी हमें दे दी, हमारी जिंदगी बचा के इसने हम पे एहसान किया है। अब पूरी जिंदगी हम उसके हाथ के नीचे एक तरीके से एहसान के तले दबे रहेंगे। जब वो हमें बोलेगा हमें उसके पास जाना पड़ेगा, रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे अपनी पेट काटते हुए अगर उसने बोला कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, तो हमें उसकी जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसने हमारी जिंदगी बचाई है। भगवान ने हमें एक की जगह दो किडनी दे रखी है, सबके पास दो दो है ना, दो किडनी दे रखी है, दो आंख दे रखी है। कोई अंधा व्यक्ति आपके पास आके बोले भैया आपके पास दो आंख हैं, आप एक आंख से भी जगत को देख सकते हो, मेरे पास एक भी आंख नहीं है, क्या आप मुझे अपनी एक आंख दे दोगे, मैं भी जगत को देखना चाहता हूं कि ये कैसा है, तो क्या आप लोग उसे अपनी एक आंख दे दोगे? कौन ऐसा ज्ञानी व्यक्ति है जो अपनी एक आंख दे देगा? हाथ खड़ा कर दो। कोई भी नहीं है, कोई भी दानी नहीं है यहाँ पे। कोई एक जो दानी हो बोल दे कि हाँ भैया मैं अपनी एक आंख किसी अंधे को दे दूंगा,
बोले भगवान ने ऐसे हमें दो आंख दे दी, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जिसको एक आंख हो, यहाँ पे सभी के पास दो दो आंख है, ऐसा कोई भी नहीं बैठा यहाँ पे जो मुझे दिख रहा हो कि किसी की एक आंख नहीं है। तो भगवान ने हमें दो आंख दी है, दो कान दिए हैं, इतनी सुंदर जीवा दी है, मुख दिया है बोलने के लिए, तो इन सब की सार्थकता है कब? बोला अगर हम लोग वही जानवरों की तरह आहार निद्रा भय मैथुन इन चार चीजों में अपनी जिंदगी बिता दें तो फिर जानवरों में हमें डिफरेंस क्या है बता दें कि जो आहार निद्रा जो हमारी जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं चक्षु कर्ण नासिका जीव और त्वचा, ये पांच चीजों की वजह से हम संसार को भोग करते हैं। रूप अर्थात आंखों से देखने से, रस जीवा से आस्वादन करके, शब्द कानों से अच्छे अच्छे गाने सुन करके, जैसे आजकल यो हनी सिंह सब जानते हैं सबके घरों में बसते होंगे, रफ्तार बादशाह आईडी नागर ये सब आजकल कॉमन हो गए हैं, तो आजकल के गाने वो नहीं, राम कबीर के दो ही नहीं बजते घर में, यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार ये बजता है घर में। कल कहाँ पे था, हाँ हमारे विनोद रो घर में एक छोटा सा बच्चा, जब मैं वहाँ गया तो उसने सबसे पहले मुझे यही गाना सुनाया, यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मगर अभी ये क्या है, ये क्या चल रहा है। तो हमारी जो जीवा है, जो हमारे कान है, वो क्या चाहते हैं, वो भी हम उनका ही आस्वादन करना चाहते हैं। बोला स्पर्श, बोला स्पर्श अर्थात एक दूसरे दोस्तों से हाथ मिलाना, यारी दोस्ती, वो स्पर्श हो गया। तो बताते पांच जानवर अपनी इस तरीके से प्राण देते हैं। बोला रूप से पतंगा, जब पतंगा आंख को देखता है बोलता है कितना सुंदर रूप है, वो उसमें जाने के लिए उसमें छलांग मार देता है, उसे ये नहीं पता इसमें छलांग मारने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, वो उसमें छलांग मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पतंगा रूप की वजह से गया, शब्द की वजह से हिरण गया, हिरण जब बहेलिया जो होता है हिरण को कैसे पकड़ता है, सबसे वो सुरीली बांसुरी बजाता है, जो हिरण बांसुरी सुनता है वो मुग्ध हो जाता है, जब मुग्ध हो जाता है तो वो उसे ये सुधबुद्ध नहीं होती मैं कहाँ खड़ा हूँ, वो उस बांसुरी की धुन के पीछे पीछे जाता है। अब जाते जाते जब देख जब मुग्ध हो जाते एकदम बहेलिया आके तीर मार के उसे मार देता है, शब्द की वजह से हिरण गया। रूप शब्द गंध की वजह से मधुमक्खी, जो भंवरा होता है वो भंवरा कैसे जाता है, कमल का फूल होता है ना, वो कमल के फूल पे आके बैठता है, कमल का फूल शाम को बंद हो जाता है अपने आप, वो रस पान करने में इतना मुग्ध हो जाता है कि उसे ये ही पता नहीं चलता कि सूरज अस्त हो चुका है, अब इस ये कमल का फूल बंद हो जाता है। वैसे भंवरे में इतनी ताकत है कि वो बांस में भी छेद कर सकता है, बांस में छेद कर सकता है, इतनी ताकत है उसमें, लेकिन वो उसमें उसका रस पान करने में इतना मुग्ध हो जाता है कि कोमल पंखुड़ी, जो कमल की जो कोमल पंखुड़ियाँ कितनी कोमल होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, उन सॉफ्ट पंखुड़ियों को भी नहीं काट पाता, बोले रस से वो गया। स्पर्श से हाथी, हाथी को कैसे पकड़ते हैं सर्कस वाले, बताते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव बताते हैं कि एक हथनी को उसके पास लेके जाते हैं, जो ट्रेंड हथनी होती है उसको हाथी के पास छोड़ देते हैं जाके, अब हथनी उसको स्पर्श करती है, अपना शरीर हाथी से रगड़ती है, हाथी क्या होता है उस स्पर्श से हाथी को आनंद आता है, उस स्पर्श को प्राप्त करने के लिए वो हथनी के पीछे पीछे जाता है, हथनी भी उसको अपने जहाँ पे जाल बिछा हुआ होता है हथनी उसको वहाँ पे लेके जाती है, हथनी को पता है कहाँ पे जाल है वो वहाँ नहीं जाती, हाथी उसके पीछे पीछे चलता चलता उस जाल में डूब गड्ढे में गिर जाता है, फिर 10-15 दिन तक उसे खाना नहीं देते, हाथी कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर होने के बाद उसे उसी हथनी से चेनों के द्वारा जंजीरों के द्वारा निकलवाया जाता है, फिर वही हाथी सर्कस में करतब दिखाता है। तो और एक और बच गया, क्या था, रूप रस गंध शब्द स्पर्श जीवा, जीवा तो जीवा से कौन मरती है, मछली, जब जो मछुआरे होते हैं कांटे में एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब कांटे में भोजन लगा के केंचुआ वगैरह कुछ भी कीड़ा लगा के वो तो पानी में डालते हैं, मछली सोचती है वाह आज तो मुझे भोजन अपने आप मिल गया, जब उसको खाने जाती है उसके जो कांटा होता है उसके जबड़े में फंस जाता है और निकल के वो दूसरे को सोच रही कि खाना मिल गया, वो खुद ही किसी और का खाना बन गया। तो एक मनुष्य है जो इन पाँचों के द्वारा मरता है, ये पांच जानवर एक एक से मरते हैं लेकिन हम जो हैं उन पांचों से मरते हैं। रूप से अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के चक्कर में लोग जाते हिल स्टेशन, हिल स्टेशन जाने गए खाई से गिर गए स्वाहा, स्पर्श रूप गया, कानों से लाउड म्यूजिक, आजकल आप देखो कितने भयंकर तरीके से म्यूजिक चलाया जाता है डीजे पार्टी में, बोले कानों में कैंसर हो गया और कई सारी नॉइज पॉल्यूशन जो हो रहा है वो इसी से हो रहा है, कानों से भी गए। जीवा से अच्छा खाने के चक्कर में दो यार दोस्त जो लड़ाई होती है जहर दे दिया खाने में वो भी गया। स्पर्श आजकल की जनरेशन स्पर्श के चक्कर में सबसे ज़्यादा मरती है, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड इसके चक्कर में हर किसी के घर में ताली बजाना
भाभी जी ताली बजा के, मैंने तो इतना अच्छा कुछ कहा नहीं अभी तक। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्यों? क्योंकि आजकल की जनरेशन सिर्फ इसी चीज के पीछे है। आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, तो अभी भगवान ने देखा कि जब जीव इन पांचों चीजों से मर रहा है, तो भगवान ने अपनी पांचों चीजें ऐसी प्रकाशित करी। भगवान के रूप कितना सुंदर है, जब गोपियां देखती हैं कृष्ण को तो बोलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह वो देख नहीं पाती। अर्थात अगर उन्होंने भगवान के चरण कमल पे गए तो वो उनके घुटनों को नहीं देख पाती। भगवान का रूप इतना सुंदर है। भगवान जब अपने आप को स्तंभ में देखते हैं, जब मणि स्तंभ में देखते हैं, तो भगवान बोलते हैं ये कौन है इतना सुंदर जिसको मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं इसको आलिंगन करना चाहता हूँ। तो भगवान का जो रूप है वो इतना सुंदर है। रूप शब्द भगवान के कीर्तन में आप सभी लोग नाचते हैं। आप जो शब्द है अर्थात जो कीर्तन है, आप सभी को पता है भगवान के कीर्तन में कितना आनंद है। और जिसको नहीं पता, अभी 3 तारीख को रथ यात्रा होगी, वो देख लेना। रूप शब्द गंध, गंध अर्थात भगवान के चरणों में चढ़े हुए पुष्प तुलसी। जब चतुसन को बताते, चतुसन ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म थे, ब्रह्मवादी अर्थात भगवान को निराकार मानते थे। जब भगवान ने देखा, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे पुत्र तो भगवान के विरुद्ध चले गए, अर्थात भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान के आकार को ही नहीं मानते, तो भगवान ने अपने चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की जो गंध है उनके नाकों में नाक में प्रवेश कराई, तो उन्होंने देखा इतनी सुंदर जो सुगंध कहाँ से आ रही है। तब उन्होंने बताया मेरे भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी अथवा पुष्प की जो गंध है वो है। तब आके उनकी मति भगवान के चरणों में लगी। रूप रस गंध शब्द, रस क्या है? प्रसादम। प्रसाद के लिए तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पे शाम को प्रसाद बनता है, तो आप ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और स्पर्श, स्पर्श अर्थात गुरुवर्गों की सेवा। हम अपने शरीर के द्वारा गुरुवर्गों की वैष्णव की सेवा करते हैं, तो आप लोग उसके बारे में भी जानते हैं। तो इन सभी को, इन सभी 5 रसों को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जीवा, जीवा से कैसे मरते, एक छोटा सा चुटकुले के द्वारा मैं समझाना चाहूँगा। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा, पर फिर भी मैं सुनाना चाहूँगा। 3 दोस्त होते हैं, तकिया कलाम जानते हैं आप लोग? मतलब एक बात के पीछे एक शब्द जरूर लगाना, जैसे शक्ति कपूर अपनी पुरानी मेरे के लोगों का था आओ, इस तरीके कुछ जो तकिया कलाम होते थे। तो 3 दोस्त होते हैं, तीनों के तकिया कलाम होते हैं। पहला दोस्त का होता है आपके मुंह में, पहले दोस्त का तकिया कलाम है आपके मुंह में। दूसरे दोस्त का जूते खाके, तीसरे दोस्त का आपकी कृपा से। अभी एक दोस्त के घर में चोरी हो गई, भाई बड़ी भयंकर, तीनों के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराने के लिए। पहला वाला बोलता है, जब पुलिस थाने में जाते हैं तो थाने में जो इंचार्ज होता है, इंस्पेक्टर होता है, वो बोलता है हाँ भाई कैसे आए हो? बोला आज तो जी हमारे घर में चोरी हो गई आपके मुंह में। तो बोलते हमारे मुंह में चोरी हो गई, तो इस तरीके से बोलता, तो वो बोलते कुछ गड़बड़ है। बोला इसे अंदर ले। हाँ भाई राम सिंह इसे अंदर ले, इसे हमारे मुंह में चोरी करा रहे, इसे अंदर ले। उसमें धड़ाधड़ जूते बज रहे हैं। जो उसका दोस्त होता है वो बोलता है हम तो उल्टा केस करने आए, उल्टा आपने हम पे ही जो केस ड्रॉन दिया जूते खा के। तो बोलता है कि हम तो यहाँ पे केस रिपोर्ट कराने गए, उल्टा आपने हम पे ही केस थोप दिया जूते खा के। तो बोले जीप की वजह से। बोले हाँ राम सिंह इसे डंडे मत मार, इसे जूते खिला, इसे अंदर ले। तीसरा वाला पुलिस से इतना डरता है कि वो अंदर ही नहीं जा रहा, इतना डरता है कि वो अंदर ही नहीं जा रहा, वो बाहर खड़ा खड़ा ही रो रहा है। वो बोलता हाँ भाई तू कैसे, तू भी इन्हीं के साथ है क्या? बोले नहीं महाराज, नहीं सर, नहीं इंस्पेक्टर सर, मैं इनके साथ नहीं हूँ। पुलिस से इतना डरता कि वो पेशाब भी कर देता है। बोला मेरे तो मुंह भी निकल गया आपके मुंह में। तो देखो जीवा हमें किस तरीके से बताते, अगर अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो अपनी जीवा से, अपनी इंद्रियों से, अपने शरीर से सब भगवान के चरणों में लगाते हुए, सब सेवा करते हुए अपने जीवन को सार्थक बताए। वंशा गर्भद्र वर्ष कृपा से चुटकुले सुनकर खुश होंगे, ताली बजा रहे हैं। এটা ভজন শুনে দিন পুরো এটা ভজন শুনে ভালো লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ এক ভজন শুনে হরি বৃন্দাবন বিহার লাল কি জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে। वृंदावन मकरंद है,
रस की करते रस पान दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हा साम सुजा ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद ब्रज वनिता सब पुष्प है मधुबर गोकुल चंदन। अच्छा कन्हैया से प्यार कौन कौन करते हैं यहाँ? बहुत कम लोग, अभी कोई हाथ नहीं उठा रहा है। बोले हम तो करते नहीं है, कहीं पाप लग जाए। हाँ कोई कोई हाथ नहीं उठा रहा है। अरे कन्हैया से प्यार करते हैं तभी तो आए हैं हम लोग, डर किस बात की? कौन कौन प्यार करते हैं? देखो ब्रजभाषा में भजन है कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। तो बिना प्रेम के मोहन नहीं मिलता, इसलिए सब लोग कम से कम यहां आए तो तालियों की सेवा तो करें। ना नाच से के कोई बात ना है, तो ताली बजा कर तो प्रेम करें कन्हैया से। नहीं ताली भी बजाएंगे नाचे भी। हाँ तो ताली बजा कर सब लोग नाचना। अरे मोहन से दिल की लगाया किया उतना जब नहीं कब मार।
प्रभु श्री प्रताप बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री श्री राधे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय है भगवान की नाम जप करनी चाहिए। तो वह श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, उनका नाम था श्रीवास पंडित। ये चार भाई थे। हम बोलते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। कहते ये श्रीवास कौन है? बोले कृष्ण लीला के ये श्री नारद हैं। ये लोग चार भाई थे और इनकी चार ही पत्नियां और उनका संतान, बहुत बड़ी परिवार है। लेकिन ये चार भाई भैया कोई काम धंधा कुछ भी नहीं करते थे। पूरा परिवार घर में बैठ जाते थे, मजरा ढोलकी लेकर के सारा दिन प्रभु का कीर्तन करते थे, केवल हरि कीर्तन करते थे। देखो ध्यान देकर सुनो, इधर उधर इधर उधर मत देखा करो। इसलिए भगवान के नाम में कितने शक्ति है ये चीज को समझो। एक दिन चैतन्य महाप्रभु घर में गए, उनसे बोले, बोले श्रीवास तुम चार चार भाई हो, चार चार बहू है और बच्चे, बहुत बड़ा परिवार है, कोई काम धंधा करते नहीं, दिन भर ये मजरा ढोलकी लेकर के ये हरे कृष्ण कहते हो, तुम्हारी ये परिवार चलेगा कैसे? उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, तीन बार केवल हाथ में ताली बजा दी। भगवान सब जानते हैं, बोले भैया तू ताली क्यों तीन बार बजाया? मैंने पूछा तुम्हारी संसार घर गृहस्थ कैसे चलेगी और तीन तीन बार तुमने ताली बजा दी। बोले प्रभु आप ही तो गीता में बताए, कृष्ण खुद गीता में कहते हैं हे अर्जुन, बोले अनन्याश्चिन्तयन्त माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाक्षयं वहाम्यहम्। ये कृष्ण गीता में प्रतिज्ञा करते हैं। देखो ध्यान देकर सुनो, कृष्ण कहते जो अनन्य, अनन्य मतलब ऐसे नहीं आज तो कृष्ण को पूजा कर ली, कोई काम नहीं बना तो फिर किसी देवी के पास में चले गए, वहां पर काम नहीं बना भैया वहां पर कोई एक बाबा है वो झाड़ी फूंका मारते हैं उससे भी काम बनी जाती है, फिर वहां चले गए, वहां काम नहीं हुई और किसको पास नहीं। भक्ति ऐसे काम नहीं होता। जैसे एक पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी किसको कहते हैं? जो एक पति की ही सेवा करे। भक्ति ऐसे होनी चाहिए, जैसे मीरा कहती है ना मेरे तो गिरिधर गोपाला, उसके बाद में हाँ ये भक्ति ऐसे होनी चाहिए, दूसरा ना कोई, आज इसको कल उसको परसों, फिर भगवान कहते तू मेरी नहीं हो, अभी तुम्हारी बुद्धि डामाडोल सा होती है। इसलिए कृष्ण कहते हे अर्जुन जो अनन्य रूप में केवल मेरे शरण में आश्रय लिया है, जिसने जीवन को मेरे ही चरण में समर्पण कर दिए, उसके लिए मैं दो काम करता हूँ। बोले क्या दो काम करते हो? बोले पहला काम करता हूँ अगर उसको घर में कोई चीज नहीं हो ना, मैं सर पर रख करके पहुंचाता हूँ, और जो चीज हो मैं एक दरवान बनकर के उसको रखवाली करता हूँ। ये कृष्ण गीता में स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं। आप लोगों ने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुने होंगे। एक दिन दो चोर वहां चोरी करने पहुंचे, बाबा के पास में कुछ नहीं, एक छोटी सी झोपड़ी और लोटे सोटे लंगूठे और घर में कुछ है ही नहीं। दो चोर चोरी करने के लिए गए तो देखा दो सुंदर बालक, एक श्याम रंग के एक गौर रंग के, एक पीतांबर और एक नीलांबर पहने हुए, धनुष लिए हुए घर की पहरादारी कर रहे हैं। दो चोर तो खुश हो गए, बोले बाबा का तो दो सुंदर चेले हैं और पूरा शरीर में हीरे जवाहरात एकदम पूरा शरीर में श्रृंगार करके रखे,
भले ही जब सो जाएंगे ना सारे हीरे जवाहरातों को चोरी कर लेंगे, लेकिन वो दो बालक रात भर सोए नहीं, पूरा रात भर चक्कर लगाते रहे। जब सवेरे हो गया दो चोर भाग गए वहां से, लेकिन एक बार प्रभु का दर्शन किया उनका मन ही नहीं भरा, फिर दो बार देखने के लिए आए। और तुलसीदास जी को ना उन्होंने सही बात बता दिया, बोले गोस्वामी जी हम रात को चोरी करने के लिए तुम्हारे घर में आए थे, देखा आपके दो सुंदर चेले हैं, श्याम रंग के गौर रंग के धनुष बाण लिए हुए थे, नीलांबर और पीतांबर। गोस्वामी तुलसीदास तो समझ गए ये तो मेरे प्रभु थे राम और लक्ष्मण। बोले वो दो चेले गए कहाँ? बोले भैया जिंदगी में हमने कोई चेलो ही नहीं बनाए है। इतने में वो समझ गए ये राम लक्ष्मण थे। फिर उन्होंने दोनों चोर के चरण में गिर पड़े, बोले जिंदगी भर उसको भजन करते करते मैंने दर्शन नहीं कर पाए, और तुमने चोरी करके आया तो प्रभु को दर्शन कर लिया है, ठाकुर जी को दर्शन कर लिया। इसलिए भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरे अनन्य रूप में भक्ति करते हैं उसके लिए मैं सारे काम में स्वयं करता हूँ। इसलिए उन्होंने जो पहला ताली बजाए ना, बोले प्रभु आप जो जो प्रतिज्ञा की है उसको प्रति हमारे पूर्ण विश्वास है। पहला ताली बजाया मतलब एक दिन देख लेंगे तेरे नाम करके घर में कुछ खाना पीना आता कि नहीं। बोले दूसरे ताली क्यों बजाया? बोले दूसरे दिन भी देख लूंगा घर में कुछ खाना पीना आता कि नहीं। बोले तीसरे ताली क्यों बजाए? बोले तीसरे दिन भी देख लूंगा कुछ खाना पीना आता कि नहीं। अगर देखूंगा घर में कोई खाना पीना नहीं आया ना, फिर तो गले में कलसी बांध कर पत्थर बांध कर गंगा में डूंगरूंगा। बोले भगवान झूठ मूठ का बोल दिया। देखो भगवान कितने प्रसन्न हो गए, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उसका पीठ पर हाथ थपथपाए। बोले श्रीवास अगर लक्ष्मी भी, लक्ष्मी को ने सारा दुनिया को कृपा करने वाली, उनकी कृपा नहीं हो ना भिखारी बन जाओगे। बोले अगर लक्ष्मी दुनिया को देने वाली, अगर लक्ष्मी कभी दरवाजा दरवाजा में ये भीख मांग सकती है, लेकिन तेरे घर में कभी अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगा। माँ लक्ष्मी भले ही भीख मांगे, आप लोग समझ रहे कि नहीं? अगर जो हरिनाम करते हैं ना, दुनिया भूखे रह जाएगा लेकिन उसका घर में कभी कमी नहीं होगा। समझ रहे हो? इसलिए क्या करनी चाहिए? माला जप करनी चाहिए, ठीक है? माला जप करनी चाहिए, यही केवल तुम्हें बचाने वाले, और कोई हमें बचाने वाले नहीं है। इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखे, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम लो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे। कोई बोलते नहीं, किसका मुंह से आवाज झगड़ा हो ना, देखना इसी कोने से झगड़ा हो उसी कोने में पता चलता किस घर में लड़ाई हो रही है। आप लोग वही बोल रहे हैं यहाँ तक आवाज नहीं आ रही। हाँ जैसे झगड़ा करते वैसे बोलो जोर से, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे। बोले जगा जगा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यम्। कहते ऐसे जो भगवान है ये युग युग में भगवान आते हैं, इसलिए भागवत में भगवान की चौबीस अवतार की कथा आई है। भगवान का जो पहला अवतार है, भगवान चतुष्टय रूप में आए और उन्होंने ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए उन्होंने अपना जीवन को ब्रह्मचर्यमय बिताया और जीवन ही प्रभु की चर्चा में लगाए हैं। जो चतुष्टय हर समय, इनकी उम्र 5 साल की होती है, 5 साल से कभी ये बड़े नहीं होते। बोले बड़े क्यों नहीं होते हैं? बोले कारण ही कहते जो सूरज है ना ये काल है, तो ये पूर्व दिशा में उदय होकर के ये पश्चिम दिशा में अस्त हो जाए, एक दिन हमारा परमात्मा नष्ट हो गया। हम कहते ना कितने उम्र है? बोले 25 साल की। आप कितने? बोले 50 साल की। आप कितने? बोले 60 साल के। बोले नहीं हम 50 से 60 साल के नहीं हुए, हमारा जो उम्र था ठीक से ना उससे 50 से 60 साल चला गया। हम कोई बड़े नहीं हो रहे हैं, हम सबके सब छोटे हो रहे हैं, हम सबके सब छोटे हो रहे हैं। लेकिन सबका परमाय तो ये काल हरण करता है, कहते एक व्यक्ति का परमायु ये काल हरण नहीं कर सकता है। बोले किसका परमायु काल नहीं हरण करता है?
बोले जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम जप करते हो ना, देखो यहाँ पर कुछ गोपियां माला जप कर रही है, इनका परमायु नष्ट नहीं हो रही है, इनका परमायु काल चक्र वहीं पर खड़ा हुआ। बोले क्यों? बोले जो काल की जो काल वो भगवान है, लेकिन जो हरि नाम नहीं करते ना, इनका परमायु सब नष्ट हो रहा है। सारे पल पल इनकी बीत जा रही है, पल पल इनकी नष्ट होती जा रही है, काल की काल में सबके सब जा रहे हो, ठीक है ना, सबके सब माला जप करियो सबके सब, ठीक है। इसलिए बोले भगवान का पहला अवतार से चतुसन रूप में आए, और भगवान की जो दूसरा अवतार है श्री वराह रूप में आए। बोले भगवान कब वराह रूप में आए? बोले जिस समय श्री ब्रह्मा जी आदेश दिया मनु महाराज को सृष्टि का रचना करो। बोले ये सृष्टि है ही नहीं, पृथ्वी नहीं है, फिर हम सृष्टि कहाँ करें? बोले ये पृथ्वी कहाँ गई? बोले ये पृथ्वी इसको श्री हिरण्याक्ष ने इसको पाताल में ले गया था। बोले भैया ये हिरण्याक्ष क्या पाता है? ध्यान देकर सुने सबके सब। बोले हिरण्याक्ष क्यों हुआ? बोले किसका बेटा था? बोले दीप्ति की। बोले ये राक्षस क्यों बना? हाँ ध्यान देख रहे सब सुनाओ। कहते सांप का समय में चार काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए? सब ध्यान देकर सुनो, चार काम नहीं करनी चाहिए। बोले पहला काम क्या है? बोले शाम का समय में कभी सोना नहीं। जो व्यक्ति शाम का समय सोएगा घर में दरिद्रता आएगी, वो घर में दरिद्रता आएगी। दूसरी काम पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए। उस समय जो बच्चा पढ़ेगा ना सब भूल जाएगी, वो सबके सब भूल जाएगा। इसलिए शाम का समय हम क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं। उस समय भगवान की भक्ति करो। क्यों? शंकर जी अपना चरों को लेकर के शाम और सवेरे का समय में वो घूमते रहते हैं। इसलिए शाम का समय में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, और शाम का समय में भोजन नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति शाम को भोजन करेगा उसका पेट की रोग होगा, उदर बीमारी होगा। और चौथा काम है, कहते ये पत्नी पत्नी नहीं मिलनी चाहिए। कहते ये हिरणा की हिरण्य कश्यप कैसे हुए? बोले एक दिन कश्यप जी का जो पत्नी अदिति थी राजकुमारी, एक दिन उसने सीसा को सामने खड़ी होकर के बड़ी सुंदर अपना को श्रृंगार किया, और अपना श्रृंगार कर राजकुमारी बड़ी सुंदरी थी। जब उसने श्रृंगार अपना रूप को देख करके एकदम काम में मुग्ध हो गई, और उसने पति कश्यप जी से मिलने के लिए चाहा। कश्यप ऋषि मना की, बोला दीदी ये समय अच्छी समय नहीं है, इस समय तुम मिला मत करो। लेकिन वो काम में इतने आतुर हो गई थी, उतने जोर जबरदस्त ऋषि से मिली। उसको बाद में ऋषि ने कहा तुमने अच्छी काम नहीं किया, तेरे गर्भ में राक्षस जन्म लेंगे। अब देखना, घर में कोई कोई बच्चा होता है जो खूब आदेश पालना करता है, लेकिन देखना कोई कोई बच्चा होता है एकदम बात नहीं सुनता है, एकदम बच्चे का पिता माता का बात नहीं सुनता है। बोले कारण क्या? बोले कारण है जो गर्भ संस्कार है, जिस समय बच्चा गर्भ में आता है वो अगर बढ़िया समय हो, हैं, अगर सुंदर समय हो, वो बच्चा बड़े संस्कार बनता है। और गर्भ में बच्चे रहते हुए माताएं सब ध्यान देकर सुनो, अगर डिस्को ध्यान से गंदी गंदी उल्टा पुल्टा फिल्म देखोगे ना, वो बच्चा गर्भ से ही वैसे ही बन करके आएगा, वैसे ही बन करके आएगा, नटखट बन करके आएगा। अगर गर्भ में बच्चे रहते समय अगर माताएं गीता पढ़े, रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, आप लोग रामायण देखे होंगे, जब माँ सीता गर्भ में लव कुश थे, भगवान राम ने संतों को बुलाकर सत्संग करवाए, बच्चे ऊपर अच्छे संस्कार पड़ेगा। जैसे माताएं कथा सुनती हैं, उसको पेट में कौन है, बच्चा वो भी कथा सुन लेता है। जैसे गर्भ में बच्चा, अब तुलसी परिक्रमा कर रहे हो, गर्भ में बच्चा उसका भी परिक्रमा हो जाती है। जैसे अपने भगवान को प्रणाम की, बच्चे का भी प्रणाम करना हो जाती है, हैं? जैसे आप भगवान की प्रसाद खाए, गर्भ में भी बच्चा वो भी भगवान की प्रसाद खाता है। हाँ मैया जो कुछ करती है ना, वो सब कुछ बच्चे को पर अच्छे संस्कार पड़ता है। इसलिए बोले तुम्हारी बेटा राक्षस बनेगी, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप होकर जन्म हुए, इतने उत्पात उन्होंने मचाए, इतने टहलका मचा दिए, हैं? इसलिए उन्होंने ये पृथ्वी को रसातल में ले गए। इतने में ब्रह्मा जी छींके, उनकी नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ, और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते उसने विशाल रूप धारण किए।
भगवान बराह रूप में आए, बलसी बराह भगवान की। फिर उन्होंने पानी में छलांग लगाए और पृथ्वी को उठा करके उन्होंने अपना धुरी पर स्थापन की। फिर श्री भगवान श्री मनु महाराज ने ये सृष्टि को, फिर उन्होंने धीरे धीरे ये सृष्टि को उन्होंने पाल उन्होंने रचना की धीरे धीरे। ये भगवान की तीसरा अवतार, बोले भगवान की दूसरे तीसरे अवतार कौन है, बोले श्री नारद जी। आप सब नारद जी का नाम जानते हो, हम कहते हैं ना तू क्या नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब क्या झगड़ा लगा रहे हो, जगत में नारद जी की बड़ी बदनामी हो गई। लेकिन ऐसे नहीं, बोले नारद जी के बगैर ना प्रभु की कोई लीला ही नहीं हुई। रामलीला देखो, कृष्ण लीला देखो, कोई भी लीला देखो, नारद जी की वजह से सब कुछ लीला हुई है। इसलिए श्री नारद जी के विशेष करके उनकी चार शिष्य हुए हैं, दो बालक हुए और दो वृद्ध हुए। बोले दो बालक कौन हुए, बोले के ध्रुव हुए और के प्रहलाद हुए, जिन्होंने 5 साल उम्र में ही इन्होंने भगवत प्राप्ति करी। बोले दो वृद्ध हुए, बोले कौन कौन, बोले एक वाल्मीकि हुए जिन्होंने ये रामायण ग्रंथ को लिखे, दूसरे हुए श्री व्यास देव जिसने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखे। इनकी दो चेले ने ऐसे दो अद्भुत ग्रंथ लिखे, सारा दुनिया के लिए ये ग्रंथ अमर हो गया है, जिसको सुन करके हमारा कल्याण होता है। भगवान की जो चौथा अवतार भगवान नर नारायण ऋषि रूप में ठाकुर जी आए और बद्री का आश्रम पर तपस्या कर रहे हैं। बोले भगवान क्यों तपस्या कर रहे हैं, बोले इनको पता है ये कलयुग का जी में भजन साधन तपस्या नहीं कर सकता है। भगवान ने वरदान दिया, अगर कोई कष्ट करके बद्रीनाथ आए और केवल मेरे को दर्शन कर ले, मेरे को दर्शन मात्र से ही मैं जो तपस्या कर रहा हूँ इसकी छठवां भाग का फल अपने आप तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए बद्रीनाथ दर्शन करने का बड़ा महत्व है। बद्रीनाथ कौन बन गए हो, बद्रीनाथ कौन बन गए बाबा, दो तो हाथ उठाए, दो दो आप लोग कोई भी नहीं गए, ये बताओ कौन जाना चाहते हो बद्रीनाथ, कौन हाथ उठा जोर से। हाँ आपको हम बद्रीनाथ ले जाएंगे, आपको हम बद्रीनाथ। लेकिन देखो वो जो बद्रीनाथ जाते हैं ना, अगर आप 10 दिन निकालोगे बड़े कष्ट से, अगर गाड़ी में 3 रात अगर लगा कर जाओगे ना, 10 दिन में वापस दर्शन करके आओगे। लेकिन ये वृंदावन में भी एक बद्रीनाथ है। जब कृष्ण जन्म होने से पहले, ध्यान देकर सुना, कृष्ण जन्म होने से पहले नंद बाबा ने मनौती रखा था, बोले हे केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, मेरे घर में एक लाला हो जाए मैं 4 धाम करने जाऊंगा। अभी कृष्ण जन्म ले लिया, अभी उनको 4 धाम जाना चाहिए। जब ब्रजवासी तैयारी हुए, कृष्ण सोच रहे देखो ये ब्रजवासी कितने भोले भाले हैं, अरे ये बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री है कौन बताओ, ये यमुनोत्री कौन है, ये यमुनोत्री यमुना कौन है, कालिंदी कौन है, कद ये तो मेरी पत्नी है, ये मेरी सखी है, ये तो वृंदावन में नदी रूप में बह रही है, हैं? ये गंगा कौन है, कहते भगवान की चरण से निकली, वृंदावन में मानसी गंगा, श्री गिरिराज गोवर्धन में मानसी गंगा, कहती ये भोले बाबा कौन है, कहती केदारनाथ कौन है, अब वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, हमारे गोवर्धन में कामेश्वर श्री चकलेश्वर महादेव, कामेवन में कामेश्वर महादेव, मथुरा में रंगेश्वर, सारे शंकर तो यहीं पर है, वहां पर तो 1 शंकर, यहाँ पर 12 शंकर है। बोले भैया बद्रीनाथ कौन है, श्री नारायण कौन है, कहते भैया ये मेरे अंश है। अरे इतने भोले वाले बोल रहे कहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, बोले पिताजी 4 धाम तो ब्रज में ही है, बोले कहाँ पर, बोले आओ ना आपको मैं 4 धाम कराता हूँ। कृष्ण स्वयं नंद यशोदा को लेकर के उन्होंने 4 धाम करवाया। ये काम्य वन में अगर यहाँ से सवेरे सवेरे निकलोगे ना, एक दिन में ये 4 धाम दर्शन करके आ जाओगे। ये जो 4 धाम है वो जिसको बड़े दूर में जो केदारनाथ बद्रीनाथ वो मूल नहीं, मूल है ये ब्रज में। ब्रज में जो केदारनाथ बद्रीनाथ आदि बद्री आदि केदार, ये ब्रज में मूल है। इसलिए श्री रसखान कहते हैं, बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जा, केशव के कैली कुंज कोटि कोटि काशी है,
बोले गोपिन के द्वार पे बसत है हरिद्वार और बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है और स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे किया, जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी है। अगर वृंदावन कोई दर्शन कराए ना सब हो जाएगा। अब लोग केदारनाथ बद्रीनाथ जाओगे बताओ, आपको यहाँ से एक दिन में लेकर के एक दिन में चार धाम कराकर वापस ले आएंगे, कौन बन जाएगा हाथ उठा। आप लोग सबके सब ना अपना नाम लिखवा देना, फिर एक दिन में जाएंगे यहाँ सवेरे सवेरे निकलेंगे और उसी दिन दर्शन करके फिर उसी दिन आप वापस आ जाओगे। और ये जो महीना है, जानते हो ये महीना के नाम क्या, ये पुरुषोत्तम महीना। ये महीना की इतने महिमा, इसी महीना में अब गोवर्धन जाओगे ना लाख लाख लोग परिक्रमा कर रहे हैं, 84 ब्रज मंडल की रात 26 घंटा लोग परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन में देखोगे 3 रात लोग परिक्रमा वृंदावन की कर रही हैं, क्योंकि इसी महीना की 3 साल के बाद में ये एक बार ये महीना आती है। ठाकुर जगन्नाथ जी बोले अगर इसी महीना में थोड़ी सी अगर मेरे लिए कोई भक्ति करता है उसको मैं बहुत फल देता हूँ, एक माला करेगा तो 100 माला करने की फल मिलेगी, एक बार भक्ति करेगा तो 100 बार भक्ति। और जो भागवत कथा हो रही ना, समझो इतने महिमा ये भागवत कथा की आप सोच नहीं सकते। आप लोग जो बैठ करके ये भागवत कथा सुन रहे हो, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय। कोई जयकार नहीं कर रही, ठीक से जोर से बोलो बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की जय। इसलिए ये भगवान की चौथे अवतार है। जब उन्होंने भगवान की अवतारों का नाम गिनाते गिनाते बोले जो कृष्ण है ना ये भी एक अवतार, फिर सुतो गोस्वामी ने सोचा मैंने तो गड़बड़ी कर दी, बोल दिया ये भी एक अवतार, लेकिन भगवान कृष्ण अवतार नहीं, भगवान कृष्ण अवतारी। अवतारी का मतलब होता है ये जिनसे ये सारे अवतार आते हैं, इसलिए जो कृष्ण है ये 16 कला में परिपूर्ण ये भगवान कृष्ण। जब हम भगवान देखो ये लड्डू गोपाल बैठा है ना, वो देखने पर लगता है छोटा सा, लेकिन बड़ा छोटा सा ये है, वो छोटा सा नहीं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड जिनकी एक एक लोक रूप में करोड़ करोड़ विश्व ब्रह्मांड जिनके विद्यमान है, कहते इनकी भक्ति करने से अनंत करोड़ देवता देवी को भक्ति तुम्हारी हो जाएगी, हमें दर दर इधर भटकने का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र है, और उनसे भी बड़ी भक्ति है श्री राधा रानी की भक्ति है। इसलिए कृष्ण खुद कहते हैं जो मेरा नाम 100 बार ले और श्री राधा जी का नाम एक बार लेता है, एक राधा जी का नाम समान मेरे 100 बार नाम है। इसलिए वृंदावन में जाओ तो किसके सबके सब नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं, किसकी मुंह से बोली नहीं निकलती, जोर से बोला और जोर से, पीछे मैया तो कोई बोल ही रहे और इधर का मैया चुपचाप बैठे हुए सब के सब, बोले श्री राधा रानी की। देखो इसलिए हम लोग जो हरे कृष्ण बोलते हैं ना, ये हरे किसका नाम है, श्री राधा जी का नाम। बोले इनका नाम हरे क्यों हुआ, बोले कृष्ण का मन को प्राण को चित्त को राधा रानी हरण करती है, इसलिए इनका नाम श्री हरे। हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण, ये महामंत्र है, इससे बड़ा मंत्र दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए श्री सोनकादि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, बोले आप कृपा करके बताओ ये व्यास देव जी ये भागवत ग्रंथ क्यों रचना की है, क्या रहस्य है। और श्री सुखदेव गोस्वामी हैं कहते एक जगह पर एक गैया को दोहन करने में जितने समय लगता है ना उससे ये कहीं ज्यादा समय टिकने वाले नहीं, लेकिन 16 साल तक मुंह खोले ही नहीं, लेकिन जब उन्होंने एक बार मुंह खोल दिया ना 7 दिन तक मुंह बंद ही नहीं किया। और परिकृति महाराज उसी समय में संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर राजत्व कर रहे थे, जैसे यहाँ कथा हो रही है किसी व्यक्ति को बोलो भैया भागवत कथा हो रही है बारात हॉल में आओ, अगर किसका छोटी मोटी कोई दुकान हो ना छोटी मोटी कोई काम होगा बोले मेरे पास समय नहीं कथा सुनने की, लेकिन परीक्षित महाराज उसी समय में केवल भारत के राजा नहीं थे
ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर ही राजत्व कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ करके सात सात दिन तक कथा सुनी। क्यों कथा सुनी? कारण है, उनको पता है अगर जीवन में शांति सुख मिलेगा तो इसी से ही मिलेगी, इसी से ही जीवन में शांति सुख मुक्ति इसी से ही मिलेगी और किसी चीज से मिलेगी नहीं। इसलिए उन्होंने सारे काम को पीछे रख करके उन्होंने सात सात दिन तक उन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा सुनी। तो उन्होंने जब प्रश्न की, थोड़ा साउंड तेज कर सकता, इसलिए जब उन्होंने प्रश्न की तब उन्होंने खुश हो गए। फिर उन्होंने भागवत क्यों रचना की, सुखदेव गोन परिकित सब बात उन्होंने बताई। बोले श्री व्यास देव जी ने देखा ये कलियुग आ रहा है और कलियुग में लोगों का जो बुद्धि है ना धीरे 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 ह्रास होते जाएगा, क्योंकि आप देखना हर चीज में मिलावट, प्योर घी नहीं मिलेगी, बोलेंगे प्योर घी पता नहीं चर्बी भर में मिलाया हुआ होगा है। इसलिए कुछ दिन पहले व्हाट्सएप में आया था जो जीरा का पाउडर है, हाँ धनिया की पाउडर, घोड़े का जो लीड को सुखा करके उसमें मिला रहे हैं, मसाला में क्या क्या चीज मिला रहे हैं, मतलब सब सब्जी को हाइब्रिड दे करके बना रहे हैं। इसलिए आपको घर में ना जो चीज आप खुद नहीं बनाओगे वो चीज आपको प्योर नहीं मिलेगी। गैया का दूध, किसने दूध दिया था देखा उसमें जो पाउडर चारों तरफ में ग्लास में, हमें किसी ने दिखाया देखो चारों तरफ में पाउडर मिला हुआ, मतलब ये दूध नहीं सब पाउडर, उल्टा पुल्टा चीज से ये दूध बना रहे हैं। इसलिए आपको कलयुग में कोई चीज सही चीज नहीं मिलेगी, इसलिए इनकी बुद्धि धीरे 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 ह्रास होते जाएगी है। इसलिए पहले ये सब ग्रंथ भ्रंथ तो कुछ नहीं हुआ करता था, गुरु जी के आश्रम में जाते थे और गुरु जी उनको सुना सुना रटा रटा करके ना पूरा याद करा देते थे, इसलिए ग्रंथ की जरूरत नहीं। लेकिन देखा कलयुग में बुद्धि ह्रास हो जाएगी, इसलिए उन्होंने वेद पुराण ग्रंथ को उन्होंने सुंदर सुंदर वेद पुराण को उन्होंने रचना की, लेकिन उनको शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन श्री नारद जी कीर्तन करते करते आए, बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल 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 हरि 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 बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। व्यास देव तो ये दुखी क्यों होकर बैठा हुआ? बोले गुरुदेव आप सही बता रहे हो, मैं जीव कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथ बनाया लेकिन मेरे को शांति नहीं मिल रहा है, गुरु जब कृपा करके बताओ। नारद जी ने कहा देखो तुमने जो ग्रंथ बनाया ना इसको जो पढ़ेगा भविष्य में केवल लड़ाई लड़ाई करेगा, क्योंकि तुम शिव पुराण को जब रचना की, बोले भैया शिव से कोई बड़े है ही नहीं, वही सत्यम शिवम सत्यम शिवम, वही जब तुमने देवी पुराण को बताया बोले मैया देवी सब कुछ, विश्व ब्रह्मांड उनसे ही सृष्टि हो रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे ही सृष्टि हुई, जब तुमने ब्रह्मा जी की महिमा गाई ना बोले भैया सृष्टि करने वाला तो ब्रह्मा, जब तुमने गणेश जी की महिमा गाई बोले भैया सबसे पूजा श्री गणेश जी की पहले पूजा होनी चाहिए। इसलिए जब जब तुमने जिस देवताओं की महिमा गाई उनको ही बोल दिया सबसे बड़े हैं। अगर ये सब ग्रंथ को जो पढ़ेगा ना
वो आपस आपस में सब लड़ेंगे, बोले ये शंकर जी बड़े, ये देवी जी बड़ी, ये हनुमान जी बड़ी। अगर पूरा कोई पढ़ लेगा ना तो पागल हो जाएगा, वो तो समझ नहीं पड़ेगा भैया क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखो इसलिए तेरे को शांति नहीं मिल रही, तुमने जो असली वस्तु को नहीं लिखा है। बोले क्या है? बोले जथा धर्म दयाश्चार्था मुनि बर्ज्यानो कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा जनु वर्णित। देख बेटा जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितने जीव भगवान की संतान है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। हैं कतरा तुमेव माता च पिता तुमेव, किस कौन है पिता माता? बोले भगवान श्री बांके बिहारी कृष्ण। जब हम भगवान की अंश, वही हमारा पिता है, हमारा क्या कर्तव्य करना? भगवान कृष्ण को भक्ति करना ही, यही हमारी ये परम धर्म है। जितने सारे धर्म में सर्वश्रेष्ठ धर्म भगवान कृष्ण को वासुदेव को भक्ति करना है। जब तक जी भगवान कृष्ण को भक्ति नहीं करेगा ना शांति नहीं मिलेगी। देखो भले ही जीवन में जितने देवादेवी को पूजा कर लो, जब शरीर छुपता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, अब सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोलो क्या 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 बोलते बोलते ले जाते हैं? यही बोले कि राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है और सब कोई बात झूठा है, यही बोलते ना। बोले जितने राम और कृष्ण का नाम लिया वही सच्चा, और तुमने जो कुछ किया तुमने झूठे में बिताया, तुमने सबके सब झूठे में। भैया अगर झूठे में क्यों बिता रहे हो, सच्चा में बिताओ ना, भगवान कृष्ण को भक्ति करो ना। इसलिए झूठे में फिर क्यों जीवन को झूठे में बिता रहे हो? हैं इसलिए केवल भगवान के नाम ही। इसलिए विरा कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हैं राम रतन धन पायो। इसलिए तुम भगवान की भक्ति की महिमा को तुम गाया करो। और तुमने क्या बताया? देखो बचपन से भक्ति करने का क्या जरूरत, जब बूढ़ा हो जाओगे ना, जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा, बूढ़ा बूढ़ी हो जाओगे, फिर दो माला कर लेना, हैं दो माला कर लेना। अभी बचपन से भक्ति करने का क्या जरूरत? बोले नारद व्यास देव, ये संसार ऐसे के वस्तु है, ऐसे के माया है, जैसे मकोड़े ना जाल बनाते बनाते खुद उसमें फंस कर मर जाते हैं, उसी तरह ये संसार करते करते आप देखना जितने बड़े बूढ़ी होते कोई जा रही ना, देखना नाती पोती बेटा बेटी में उतना ही आसक्ति है। जितना उम्र होते जाएगा उतना ही आसक्ति कम होनी चाहिए, वो आसक्ति कम नहीं, ज्यादा ज्यादा उस संसार में आसक्ति है कि नहीं बताओ, ज्यादा ज्यादा संसार में फंसते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति बचपन से भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो, बुढ़ापा के लिए नहीं, भगवान की भक्ति बचपन से प्रभु की भजन करना शुरू कर दो। ये माया कभी खत्म होने वाले वस्तु नहीं। हाँ देखो हर साल आपको एक कथा सुनाता हूँ। श्री नारद जी एक बार ये मरते जगत में आए, घर घर में गए, सबसे पूछे ठीक ठाक हो, सबके सब तस्सर हिलाया ठीक ठाक, लेकिन जब अंदर की बात पूछना जगत में देखा कोई भी ठीक नहीं, कोई तन से दुखी, मन से दुखी, बीवी से दुखी, बहू से दुखी, सास से दुखी, ननद से दुखी, पैसा से दुखी, पड़ोसी से दुखी, दुखी दुखी दुनिया दुखी दुखी देखा। जब वैकुंठ में गए देखा वैकुंठ खाली, बोले भगवान कुछ जीवों को ले आओ ना, ये पूरा ये वैकुंठ खाली पड़ा हुआ, कोई आपके लिए चंदन घिसेगा, कोई फूल माला बनाएगी, कोई प्रसाद बनाएगी। भगवान का नारद जी मैंने 24 बार अवतार लिया, लेकिन ये संसार छोड़कर कोई आना नहीं चाहता। बोले प्रभु मेरे को विश्वास नहीं होता। भगवान बोले नारद जी ये दायित्व तेरे ऊपर दे रहा हूं, जितने जीव वैकुंठ जाना आना चाहते ना सबको तू वैकुंठ ले आना। नारद जी बोले प्रभु ये जो वैकुंठ खाली दिख रहा है ना पूरा आज ही ये वैकुंठ में भर लूंगा। नारद जी आए देखे एक किसान को, एकदम जेठ के महीना में खेती कर रहा है, सारा शरीर से पसीना बह रहा था। बोले ये तो जरूर जाएगा। बोले किसान भैया वैकुंठ चलोगे क्या? बोले तेरे कोई काम नहीं इसलिए मेरा कोई काम नहीं है, अपना रास्ता देख। बोले तो भगवान सही बता रहे थे। थोड़ी दूर गए देखा एक माता जी कुएं से पानी भर रही थी। बोले ये माता जी तो जरूर जाएगी। बोले माता जी चलोगी वैकुंठ चलोगी? बोले बाबा अभी मैंने रोटी बना करके आई हूँ, कुएं से पानी लेकर के सब्जी बनाऊंगी, फिर परिवार को खाना खिलाऊंगी।
और तेरा कोई काम नहीं, और किसी का अपना रास्ता देख, वैकुंठ जाने का समय नहीं, अभी कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। देखा एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति घर के सामने बैठा हुआ, 80 साल हो गया। बोले तो ये तो जाएगा। बोले भैया तेरा नाम क्या? बोले कैलाश। बोले वैकुंठ खाली पड़ा हुआ, वैकुंठ चलोगे? बोले हाँ जाने का तो इच्छा है। क्या? बोले एक काम बाकी रह गई। बोले कौन सा? बोले बेटा का शादी की सगाई हो गई, बेटा का शादी हो जाए ना सीधा घर वैकुंठ चलूंगा। नारद देखा अभी तक तो कोई जाने के लिए तैयारी नहीं हो रहे थे, एक व्यक्ति किसी तरह से हाँ भरा, नारद तो पीछे पड़ गए। बोले कब आऊं? बोले कुछ दिन बाद में आए। अब आए तो बोले शादी हो गई। बोले आपका आशीर्वाद से सब बढ़िया हो गया, और घर में जो बहू आई ना बहुत अच्छी आई है, बड़े आज्ञाकारी, सवेरे उठ करके हमारी प्यार छूती है, और खाना पीना तो बोलने से पहले से हम खाना पीना दे देती हैं, और घी में चुपड़ी ही रोटी रोज रोज बना बना कर की थे, अच्छी बहू आई। बोले अभी तो चलो। बोले नारद जी सारी इच्छा तो पूरी हो गई, क्या? बोले एक इच्छा रह गई। बोले कौन सा? बोले पुत्र को जन्म दो, पूत नाम का नरक से उधार होता है, लेकिन अगर नाती को मुंह देखो ना कभी स्वर्ग होता है। बहू अभी गर्भवती है, कुछ दिन बाद में बच्चा जन्म देने वाले, केवल बच्चा का मुंह देखूंगा और सीधा स्वर्ग जाऊंगा, सारे काम खत्म हो गया। नारद जी बोले कब आओ? बोले कुछ दिन बाद में आओ। आए तो देखा वो है ही नहीं। बेटा से पूछा पिताजी कहाँ गए? बोले क्या बताओ, पिताजी की स्वर्गवास हो गया। बोले हे भगवान, एक चेला बनने वाला था वो चेला भी सुधार गया, लेकिन ये घर छोड़कर कहीं गया नहीं, घर में ही है, क्योंकि कृष्ण गीता में कह, आप लोगों से ध्यान देकर सुनो, ये बड़ी शिक्षा की विषय है, बड़ी शिक्षा के विषय है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन अंतिम समय में जीव जैसे चिंता करते करते शरीर छोड़ता है, उसको दूसरी जीवन में वैसे ही जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हम आगे सुनेंगे जिनका नाम पर ये भारत वर्ष हुआ, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके तो भजने के लिए गए, लेकिन अंतिम समय में एक हिरण का प्रति इनकी आसक्ति हो गई, और दूसरी जीवन में वो हिरण बन करके आए, हिरण बन करके फिर आए, जिनका नाम पर ही भारतवर्ष नाम पड़ा। ये आसक्ति इतने जोर जबरदस्ती, बोले ये घर में ही है। बोले कहाँ पर? ध्यान लगाया, देखा घर में कुत्ते बन करके आए हैं, घर में कुत्ते बन करके आए। बोले कैलाश अभी तो चल वैकुंठ, अभी तो कुत्ता बन गया। बोले गुरु जी ये जितने ये प्रॉपर्टी देख रहे ना, ये सब को मैंने कमाया, और कितने कष्ट से कमाया ये मेरे को पता है, और ये बच्चा ऐसे नाला रात को सो जाता है, कौन क्या उठा कर ले जाएगा, कोई ध्यान नहीं रखता, इसलिए दिन भर रात भर में भोग भोग करते करते घूमता रहता हूं, और वो कुत्ता ऐसे था ना एक घास भी कोई छू नहीं सकता, क्यों? उसने सब चीज को कमाया, उसने सब चीज, कितना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ होता है। आप देखना कुत्ते को आप भगाओ एकदम नहीं भागेगा, कुत्ते को भगाओ जो पालतू कुत्ता भागा भागेगा, वो फिर घूम फिर करके तुम्हारे घर में आएगी। बोले क्यों घर में आता है? क्योंकि उसको उसका ही उसने कमाया, उसको उसका ही घर है वो, इसलिए किसी तरह से वहां से भागना नहीं चाहता है। अभी बोले कब आओ? बोले कुछ दिन बाद में आओ। कुछ दिन बाद में देखा कुत्ता भी नहीं। बोले कहाँ गया? बोले गुरु जी इतने बढ़िया कुत्ता था, हम तो रात को चैन से हम सोते थे, कोई चिंता, एक घास भी यहां से कोई हाथ नहीं लगा सकता था हैं। बोले वो तो और कहीं नहीं गया, घर में होगा। देखा घर में बैल बन करके आया, खेती करता है। बोले अभी तक चल। बोले गुरु जी ये जो खेती है ना मैं नहीं कमाया था, और ये क्या करता है, थोड़ी सी तो खेती करता है सब छोड़ देता है, और इसको जोर जबरदस्ती लेकर के खेती कराना पड़ता है। बोले फिर कब चलोगे? बोले थोड़ी सी समझदार बन जाए। फिर जब आता है देखता बैल भी मर जाता है। बोले बैल कहाँ गया? बोले गुरु जी क्या बताऊं, इतने अच्छा बैल था। आप लोगों को पता होगा पहले पहले लोग जो सोने चांदी को किसी पात्र में रख करके ना मिट्टी में गाड़ देते थे, क्यों? चोरी नहीं हो जाए, हैं, चोरी नहीं हो जाए। उन्होंने किसी पात्र में सोने चांदी को मिट्टी को अंदर में गाड़ करके रखे थे, लेकिन उनको ही याद था मैंने कहाँ गाड़ करके रखा, और उसको ऊपर में वो एक जहरीले सर्प बन करके बैठा हुआ, किसी को भी फटकने नहीं देता है। नारद जी देखा जब तक डंडा नहीं पड़ेगा ना ये ठंडा नहीं होगा, इसका पीछे मैंने 3 जन्म तक को भटक गया। उसको बेटा को बोला बेटा तेरे पिताजी को जो सोने चांदी को
वो मिट्टी में गाड़ कर गए हैं, लेकिन उसको ऊपर में एक जहरीले सर्प बैठा हुआ है, एक डंडा लेकर का, लेकिन देख जान से नहीं मारना, केवल उसका कमर ही तोड़ देना। बच्चा तो बड़े खुश हो गया, पिताजी पैसा रख कर गए, डंडा लाए और वो अपना पिताजी को ऊपर मारे मारे तो पिताजी की कमर ही टूट गया। बोले उसको फेंको वहां पर, खोदो। खोदा तो सचमुच से एक कलसी निकला, उसमें सोने चांदी था, बड़ा प्रसन्न हो गया। देखो आप लोग बोलोगे अरे सब कहानी, सब बेकार से गप्पे हैं, मैंने भूल गया, अब कल मैं दिखाऊंगा। मैं कथा करने के लिए गया था झाड़ग्राम, एक स्थान है बंगाल में। मैंने जब ये कथा की ना, एक व्यक्ति मेरे को न्यूज पेपर ला कर दिखाया, बोले बाबा आप सही बता रहे हो, कल आपको मैं दिखाऊंगा। देखो वहां की कथा सुनाता हूँ। एक समय कोई घर भित्ति खनन कर रहे थे, भित्ति को खोद रहे थे, इतने में फावड़ा से मिट्टी काटते काटते छन करके आवाज हुई। बोले भैया आवाज कहाँ से आई? देखा तो उसको नीचे दो कलसी है और दोनों कलसी को अंदर में सोने चांदी की मोहर, कल आपको पेपर दिखाऊंगा, कल आप देखोगे, उसमें सोने चांदी की मोहर है। एक रानी अलजेबरा कोई रानी है, उनका नाम लिखा हुआ वो मोहर के ऊपर भी, और दो जहरीले सर्प वो कलसी के ऊपर में लपेट करके बैठे हुए, किसी तरह से वो कलसी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। इतने में पुलिस में खबर हो गया, दो कलसी निकला जिसमें सोने की और चांदी की मोहर है, लेकिन दो जहरीले सर्प उसको किसी तरह से छोड़ नहीं रहे, लपेट करके बैठे हुए। इतने में पुलिस आ गया, फिर वो दो सर्प को एक बोरी को अंदर में रख करके उसको 3 मील दूर में छोड़ करके आए। देखा आधा घंटा के अंदर में फिर वही दो सर्प वहीं पर घूम रहे, वो किसी तरह से उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। बोले क्यों? बोले पूर्व जन्म में उन्होंने ही वो कलसी को गाड़ करके रखे, इसलिए उसको चिंतन करते करते मरे, इसलिए सर्प बन करके लपेट करके बैठे हुए, उसको लपेट करके बैठे हुए। ये आसक्ति इतने जोर जबरदस्त, समझ रहे हो? इसलिए ज्यादा पैसा रख करके जाओगे ना, फिर जन्म जन्मांतर हम भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे जन्म में। अभी नारद जी बोले, बोले क्यों कैलाश? अरे अभी तो भजन कर, अभी तो तुम भक्ति कर। बोले गुरु जी अभी भजन करूंगा, ये बच्चे को पीछे मैंने 3 जन्म भटक गया, तभी भी ये समझदार नहीं बन रहा है, और लास्ट में मेरा ही मेरे कमर ही तोड़ दिया। बोले भक्ति करोगे? बोले अभी करूंगा। नारद जी मंत्र पूत करके पानी छिड़काव करवाए, फिर वो सर्प दूसरे जन्म में इंसान बना, नारद जी भगवान के नाम को दिए और चौथे जन्म में उसको लेकर के वैकुंठ गए। भगवान ने कहा नारद जी कितने जीवों को लेकर के आए हो? बोल रहा था ना पूरा एक दिन में वैकुंठ भरा दूंगा। बोले ठाकुर जी सही बता रहे थे, इसका पीछे मैंने 3 जन्म भटक गया, तभी पांचवा जन्म में उसको लेकर के मैं वैकुंठ में आया। देखो ध्यान देकर सुनो, अच्छी बात को सुनो, हम ऐसे क्या काम करें, घर में रहे, बच्चों को पालन करे, खूब पैसा कमाए, सुंदर दुकान मकान बनाए, लेकिन ऐसे कौन सा काम करे जो संसार में आसक्ति नहीं हो, और संसार में रहते हुए भी जब मरेंगे ना सीधा भगवान का धाम में जाएंगे, कैसे? देखो कृष्ण गीता में ये बात को अर्जुन को समझाते हैं। देखो ये श्लोक है, बोले जत करोसी जत स्नासी जत दोहसी ददासी जत जत तपससुसी कौन्तेय तद गुरु समदर्पण। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जत करोसी, तुम जो कुछ करते हो, जैसे खूब पैसा कमाओ, पैसा के मगर कुछ होता ही नहीं, लेकिन पैसा कौन है? लक्ष्मी है। पैसा कौन है? लक्ष्मी। इसलिए लक्ष्मी को क्यों कमा रहे हो? बोले ठाकुर को सेवा के लिए, अगर पैसा नहीं होगा तो ठाकुर को हम सेवा कैसे करेंगे? ठाकुर को सेवा के लिए। कहते बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हो, हाँ बढ़िया बढ़िया शाही पनीर राजमा पनीर कढ़ी चावल चकाचक खाना। बोले खाना क्यों बना रहे हो? बोले खुद खाने के लिए नहीं, बच्चों को खिलाने के लिए नहीं, ये चीज को गांठ बांध करके लेकर जाओ, ये चीज को गांठ, नहीं तो जन्म जन्मांतर सांप बिल्ली फिर कुत्ते बैठते रहोगे। खाना किस लिए बना रहे हो? बोले ठाकुर को भोग लगेगा, भगवान को भोग लगेगा, इसलिए खाना बना रहे हैं, खुद खाने के लिए नहीं, बच्चों को खाने के लिए नहीं। भगवान की जो प्रसाद हो जाएगा फिर सबको खिलाओ, भगवान का प्रसाद खाओ, लेकिन नियम है अगर उसमें प्याज लहसुन डालोगे तो भोग नहीं लगा सकते,
इसलिए प्याज लहसुन घर से निकाल देना पड़ेगा। आप लोग नवरात्र रखते होंगे, 9 दिन तक प्याज लहसुन को ही खाते हो, क्यों नहीं खाते हो प्याज लहसुन, क्यों उसका सृष्टि गंदी चीज से। इसलिए कल हम सुनेंगे राक्षस का मांस से, गैया की मांस से ये प्याज बना हुआ है, इसलिए ये नवरात्रि में कोई प्याज लहसुन को भी खाते नहीं। इसलिए एक ही काम करो, आप लोग तो और कोई चीज खाते नहीं है, केवल एक चीज कोई कोई खा लेते हो कभी कभी। मैं तो डंडा मार कर जाता हूँ समझा बुझा करके, कुछ दिन तक पालन करते, जब मैं चला जाता ना फिर शुरू कर देते, फिर उसको शुरू कर देते, नहीं घर से ये चीज को घुसाना नहीं। फिर भगवान को तुम भोग, फिर भगवान को तुम लगा नहीं सकते हो ठाकुर जी को भोग, ठीक है ना। इसलिए खाना किसके लिए बनाते हो, ठाकुर जी के लिए खाना बना रहे, ठीक है। बच्चों को पालन करो, बोले क्यों, बोले बच्चे भगवान के बच्चे, बच्चे किसने दिया, ठाकुर ने ये बच्चे दिए, भगवान की संतान है। इसलिए घर घर में हर बच्चों को गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए, तुलसी की माला होनी चाहिए, तिलक लगानी चाहिए सबके सब गले में, और सबके सब क्या करनी चाहिए, भगवान की माला जप। इसलिए बच्चों को कम से कम एक ही काम कराना, बोले बच्चा बेटा सवेरे नहा धो करके एक माला को तुम एक माला जप कराओ, ठीक है। हर पिता माता अपना बच्चों को एक एक माला जप करवाना करना। जब हम बच्चों को स्मार्टफोन दे सकते हैं 10-20 हजार रुपया की, क्या बच्चों को एक माला नहीं जपवा करा सकते हैं। इसलिए एक बच्चों को एक माला जपाया करो, एक बच्चों को माला भगवान की, और घर में घर को साफ करो, क्या समझो, भगवान की मंदिर को साफ कर रहे, भगवान की मंदिर को साफ कर रहे। अगर घर में सबके सब भगवान की भक्ति करें ना, जिस घर में सबके सब भगवान की भक्ति करते हैं, क्या तो वो घर नहीं, वो भगवान की धाम है, वो श्री वृंदावन धाम है। अगर घर में भक्ति करोगे, आप लोग देखे होंगे जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है पूरा परिवार चारों तरफ में घिरे हुए रहते हैं। पिताजी कहते हैं, बेटा कहता है पिताजी मेरे को पहचान रहे कि नहीं, दामाद कहता है पिताजी आपका मैं छोटा दामाद हूँ, बेटी कहती है पिताजी आपकी मैं छोटी बेटी हूँ। देखना वो व्यक्ति ऐसे ऐसे देखते देखते सारा दुनिया को देखते देखते अंधविश्वास त्याग देता है, फिर उसी संसार में भटकता है। लेकिन अगर बच्चे के गले में कंठी तिलक, बच्चे भगवान की भजन करते हैं, अगर इनको दर्शन करते करते जाओगे ना, सीधा भगवत धाम में जाओगे, सीता ठाकुर जी को पास में जाओगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन भगवान की संसार करो, ठाकुर जी की संसार करो, ठीक है ना। एक बार हाथ उठाओ सबके सब, बोले हरे कृष्ण, तो बेटे हरे बोलोगे, माइक दे दो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम, और एक बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो, आप लोग को उदाहरण देता हूँ, हम लोग जहाँ पर रुके हैं, आपको बताए कहाँ पर रुके हैं, आप बताओ तो, हम लोग कहाँ पर रुके हैं, श्री विनोद जी के घर में रुके हैं। उसका भी ये बेटी शायद ये कोशिश कर रही है, ये बेटी इधर इधर आओ, इसलिए ये कोशिश कर रही है एक डॉक्टर बनने के लिए। हाँ, ये डॉक्टर बनने के लिए इनके घर में हम रुके हैं। इनका एक बेटा भी, बेटा है क्या यहाँ, इनका एक भैया भी यहाँ पर है, लंबा करो उसको। इसलिए देखो इनके घर में रहते हैं, ये बच्चे सब लिखाई पढ़ाई करते हैं, लेकिन देखो ये लड़की को देखो, यहाँ बैठ करके माला जप कर रही है, और इसके गले में देखो तुलसी की कंठी है, देखो ये तिलक भी लगाई है। इनको पूछो कितने माला करती है, इसको पूछ लो। देखो ये भगवान स्वयं नरसिंह भगवान कहते हैं, जिस वंश में एक बच्चा प्रभु की भजन करे ना, उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाता है। कितने पीढ़ी उधार हो जाती है, उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाती है। घर में अगर एक बेटा भगवान की भक्ति करे, उसको पिता माता जो जन्म देते हैं, पिता माता को भी धन्य हो जाती है, और जितने पूर्वज लोग पहले चले गए, जब देखते हैं वंश में एक बेटा भक्ति करता है, तद नृत्यन्ति स्वर्गे पितरि पितरेषा, पूर्वज लोग हाथ उठा उठा कर नृत्य करते हैं। आप लोग सुने होंगे कभी कभी घर में तो सारे रुपया पैसा है, लेकिन घर घर में कोई शांति सुख नहीं होता। कभी कभी पूर्वजों का कभी कभी है इनकी दोष रहता है,
उसको क्या बोलते हैं, उसको पूर्वजों का दोष क्या कहते हैं, पितर दोष, पितर दोष रहता है, हाँ? पितर दोष रहता है घर में सब चीज, लेकिन घर में शांति सुख नहीं। बोले क्यों, कहते पितरों का दोष है। लेकिन ये पितरों का उद्धार कैसे होता है, भगवान खुद कहते हैं जब घर में बच्चे भगवान की भक्ति करे परिवार में, उनका पितर दोष सारे समाप्त हो जाती है, सारी खत्म हो जाती है। देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, हम लोग तो चाहते हैं अपना बच्चों को बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनाएंगे, है ना, हम स्वयं हीरो हीरोइन बनेंगे और बच्चों को हीरो हीरोइन बनाएंगे। हमारे गुरु जी कहते थे, आप बताओ 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी दुनिया में उनका नाम कोई ले रहा है को दुनिया में, कोई हीरो हीरोइन का नाम ले रहा है दुनिया में, कोई नहीं। लेकिन हनुमान जी को देखो कैसे हीरो बने, कब आए, तृतीया युग में आए, अभी भी हनुमान जी की पूजा करते। मीरा कब आए, अभी भी मीरा जी के नाम है। तुलसीदास कब आए, अभी भी तुलसीदास का नाम। ध्रुव प्रहलाद कब, सत्य युग में, अभी भी इनका नाम। इसलिए कहते भैया अगर हीरो हीरोइन बनना है ना, भगवान की भक्त बन करके हीरो हीरोइन बनो, जब तक ये दुनिया रहेगा तुम्हारी नाम तब तक रहेगी। लेकिन ये जगत का जितने हीरो हीरोइन, दो तीन बाद में नाम खत्म हो जाएगी। इसलिए बड़ा बने तो भगवान की भक्त बनकर बड़ा बने, ठीक है ना। इसलिए ये बच्ची को मैं खड़ा किया, आप भी अपना बच्चों को भी भजन में लगाओ, ठीक है ना। घर में बच्चों को बोलना, बेटा जब उसको स्मार्टफोन दे सकते हो, बोल नहीं सकते, तू एक माला जप कर बेटा, हैं, थोड़ा गीता पढ़ो, थोड़ा रामायण पढ़ो। देखो हमारे जो बड़े गुरु जी थे ना, जानते कि नहीं बड़े गुरु जी, वो जो बड़े गुरु जी थे, इनको एक समय सब अच्छे तरह से ध्यान देकर सुनो। एक समय किसी व्यक्ति ने आया हमारे बड़े गुरु जी के पास में, बोले गुरु जी बेटा मेरा बात नहीं सुनता है। देखो गुरु जी क्या कहते, बोले बेटा तू रामायण पढ़ते हो, बच्चों को रामायण पढ़ाते हो, बोले नहीं। बोले अगर खुद रामायण नहीं पढ़ोगे, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ते, उसका दुर्दशा यही भोग करोगे। अगर बच्चे तुम अगर स्वयं रामायण पढ़ते, रामायण में क्या लिखा हुआ, प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता। भगवान सवेरे उठ करके क्या करते थे, पहले पिता माता की चरण छूते थे, गुरु जी की चरण छूते थे। आप लोग रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हो टीवी में, आप देखना जब दशरथ महाराज सोते हुए रहते हैं, राम लक्ष्मण पिताजी की चरण दबाते, दबाते कि नहीं। भगवान गुरु जी ने कहा अगर तुम रामायण पढ़ता, बच्चे को अगर बोलता तू रामायण पढ़, 100% तुम्हारी बच्चा बात सुनता, सवेरे उठ करके चरण छूता, तुम्हारी चरण दबाता। लेकिन बच्चे तू तो रामायण पढ़ा ही नहीं, बच्चों को तो रामायण पढ़ने के लिए बताया नहीं, और स्मार्टफोन 10-20 हजार रुपया की पकड़वा दिया, जिससे जीवन बर्बाद हो जाए। 10-20 हजार रुपया के तुमने स्मार्ट, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे। लेकिन बच्चे को कहीं बोलते हो बेचा एक माला भी कर, थोड़ा गीता भी पढ़। देखो मैं गया था अभी जयपुर में कथा करने के लिए, मैं आ रहा था, देखा एक मुसलमान का 5 साल का बच्चा, वो पतंग उड़ा रहा था। मैंने कहा उसको नाम को पूछा, तेरा नाम की क्या, वो जो नाम बताया पता चला ये मुसलमान का बेटा है। मैंने कहा बेटा तेरे को कुरान पढ़ना आता है, उसने छाती फुला कर बताओ मेरे को कुरान आती है। मैंने कहा भैया कुरान सुना, उन्होंने झड़ाझड़ कुरान पुराना सुनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुमको कितने साल उम्र से कुरान पढ़ाया जाता, बोले हमारा मुस्लिम धर्म में कंपलसरी जब उसको 2 साल उम्र होएगा कंपलसरी उसको कुरान पढ़ाया जाएगा। आप लोग यहाँ देखे होंगे, आप लोग कई गड़ी में रहते हो, शुक्रवार का दिन छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके 8-10 साल बच्चों को सब लेकर रोड, मेन रोड को जाम कर देते हैं और कुरान पढ़ाते हैं। आपने कभी बच्चे को बोला गीता पढ़ने के लिए, आप बताओ कभी बच्चे को बोलते हो गीता पढ़ने के लिए, कभी बोलते हो रामायण पढ़ने के लिए, नहीं। स्मार्टफोन तो ले ले, स्मार्टफोन को तो ले। देखो हमको शर्म लगनी चाहिए, इसलिए धीरे धीरे हिंदू घटते जा रही है, इसलिए धीरे धीरे हिंदू घटते जा रही है, और धीरे धीरे हमारे बच्चे को अंदर में खाली अपसंस्कार, उल्टा पुल्टा खाली संस्कार बच्चे को ऊपर पड़ रहा है। क्यों, उनको हम कोई भी भक्ति का शिक्षा नहीं देते हैं, उल्टा पुल्टा गंदी गंदी चीज, बताओ कहाँ से संस्कार हमारे ऊपर पड़ेगी। इसलिए आप लोग पिता माता है, बच्चों को बोलना एक माला कर, थोड़ा भागवत पढ़, नहीं तो बच्चों को कम से कम कथा में लेकर के आओ, कथा में बैठेगा कथा सुनेगा, कम से कम थोड़ी बहुत उसकी ज्ञान होएगा, ठीक है। इसलिए हम ये बच्चे को आपके सामने खड़ा किया, अभी वो थोड़ी सी कथा सुनाएगी आपको, आप लोगों को सुनना ये क्या कथा सुनाती, बोलो।
ओम अज्ञान्ति मिरांगस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुपलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः वांछा कल्पद्रुवश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में साक्षात दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी तथा मेरे भाई बंधु सबको यथा योग्य प्रणाम करती हूँ। अभी गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि हमें ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, किंतु हम सब मनुष्य बहुत जितने भी लोग हैं वो मानते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों पे विश्वास करेंगे जिन्हें हम देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जितना भी समझाएं लेकिन बोलते कि नहीं, भगवान निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, मानते ही नहीं है कि हम भगवान है। कुछ भी चीज़ उन्हें बोलो लेकिन वो नहीं मानते, किंतु हम उन्हें कैसे विश्वास दिला सकते हैं, क्या प्रूफ दे के क्या समझा सकते हैं कि भगवान है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर आर न्यूमरस थिंग्स विच वी कांट सी बट स्टिल वी बिलीव दैट दे एग्जिस्ट। जैसे हवा है, हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि हवा है, क्या हवा हमें दिखती है लेकिन हम मानते हैं। तो उसी प्रकार हम समझा कैसे सकते हैं कि हाँ भगवान है। तो गुरुदेव कथा सुनाते हैं कि अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो वो बीरबल से बोलता है कि तुम मेरे मंत्रियों में से सबसे बुद्धिमान हो, तुमसे मैं जो भी प्रश्न पूछता हूँ तुम उसका उत्तर देते हो, तो तुम मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो कि क्या भगवान है, और अगर है तो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। बीरबल को विश्वास तो था कि हाँ भगवान है, लेकिन वो थोड़ा चिंतित था कि इस बात को प्रूफ कैसे करेगा। और राजा उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, अगर 2 दिन में तुमने ये प्रूफ करके नहीं दिखाया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो वो घर आता है तो वो थोड़ी चिंता में पड़ जाता है कि मैं समझाऊंगा कैसे, प्रूफ कैसे दूंगा कि भगवान है। तो वो जब बैठा होता है उसका बेटा आता है, बोलता है पिताजी आज आप चिंतित लग रहे हैं, क्या हुआ। तो बोलता है नहीं तुम अपना काम करो, खेलो, कुछ नहीं हुआ। तो बोलता है मुझे बताओ। तो बीरबल उसे बताता है कि आज अकबर ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या भगवान है, और अगर है तो कहाँ है और क्या कर रहे हैं, और मुझे इस बात का प्रूफ देना है। तो वो बोलता है कि आप चिंता मत करो, 2 दिन बाद जब आप जाओ आप मुझे ले चलना और बोल देना कि इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। तो 2 दिन बाद वो अपने बेटे को लेके जाता है। अकबर पूछता है जो मैंने तुमसे प्रश्न किए तुम उनका उत्तर लाए हो। तो वो बोलता है कि महाराज आपने मुझसे इतने सरल प्रश्नों का उत्तर करा है कि ये मैं क्या, मेरा बेटा भी इन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। तो अकबर उसे बोलता है कि चलो ठीक है तुम बताओ। तो बोलता है महाराज, तो वो अकबर बोलता है कि मेरा पहला प्रश्न कि क्या भगवान है। तो वो बेटा बोलता है कि महाराज इस प्रश्न का उत्तर मैं आपका तब दूंगा, पहले आप 1 किलो दूध मंगवाओ। तो वो दूध लाता है। तो वो बेटा पूछता है अकबर से कि क्या इस दूध में घी है। तो राजा बोलता है कि हाँ है। तो बोलता है कहाँ है। तो बोलता है ऐसे थोड़ा ना दिखेगा, पहले दूध को गर्म करो, फिर उसे जमाओ, फिर उसके बाद जो दही होगी उसको मंथन करो, फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन को जब उबालोगे तब उसमें से घी निकलेगा। तो वो बोलता है कि जब एक सिंपल से दूध में से घी निकालने के लिए इतने सारे प्रोसेस हैं, तो जो भगवान, जो शेष महेश गणेश दिनेश एहू जैन यंत्र ध्यावे, जिन भगवान को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश इतनी भक्ति करते हैं, इतने सालों से पूजा कर रहे हैं, क्या वो भगवान तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे। वो बोलता है भगवान को पाने के लिए भी पहले हमें साधु संग, फिर उनकी बातों में विश्वास, फिर कथा कीर्तन, कीर्तन से हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनका विनाश होगा, फिर हमारी भगवान के प्रति रुचि होगी, निष्ठा भाव प्रेम, तब जाके हमें कहीं भगवान की अनुभूति होगी, तब हमें भगवान मिलेंगे। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है ये तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन भगवान अगर है तो क्या कर रहे हैं। तो तब वो बेटा बोलता है कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो जो प्रश्न करता है वो होता है स्टूडेंट, और जो आंसर देता है वो होता है गुरु। तो पहले आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट हुए और मैं गुरु, पहले आप अपने स्थान से उतर कर नीचे आइए तब मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो राजा नीचे आता है और वो उस बेटे को ऊपर भेज देता है। तो बोलता है चलो आप बताओ कि भगवान क्या कर रहे हैं। तो बोलता है कि भगवान यही कर रहे हैं कि उन्होंने मिनटों में एक राजा को रंग और रंग को राजा बना दिया। किंतु फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जितना भी समझाए वो नहीं मानते कि नहीं, हम नहीं मानते कि भगवान है नहीं है। तो उसी से गुरुदेव न्यूटन का एग्जांपल देते थे, साइंटिस्ट हु डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका जो कुलीग था, जो उसका दोस्त था, वो भी भगवान को नहीं मानता था। न्यूटन उसे रोज़ समझाता कि नहीं ऐसा नहीं है, भगवान है, वो पृथ्वी है, हम कैसे पूरा अपना काम टाइम पे करी, कैसे हो सकता है। तो बोलता है कि नहीं भगवान नहीं। तो न्यूटन उसे एक दिन अपने घर आमंत्रित करता है कि तुम मेरे घर आना।
तो न्यूटन एक सोलर सिस्टम का मॉडल बनाता है, पूरा सन अर्थ मून पूरा उनको सिस्टमेटिकली पूरा अरेंज करता है। तो उसका जब दोस्त आता है तो बोलता है वाओ इतना सुंदर मॉडल बनाया है, ये किसने बनाया? तो न्यूटन बोलता है कि नहीं ये मॉडल किसी ने बनाया नहीं है, ऐसे अपना बन गया। तो बोलता है कि ऐसे थोड़ी ना होता है, बिना किसी के बनाए ये मॉडल कैसे बन सकता है? तो न्यूटन मुझसे समझाता है कि इतने दिनों से मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब एक सिंपल सा मॉडल किसी के इनिशिएटिव के बिना नहीं बन सकता, तो जो ये सारी पृथ्वी है जो अपना काम टाइम पे कर रही है कि सूर्य अपने टाइम पे उदय हो रहा है अस्त हो रहा है, ये बिना किसी चीज़ के कैसे हो सकता है? तो भगवान ही है जो इन सब चीज़ों को चला रहे हैं, जो इन सब चीज़ों को नियंत्रण में रख रहे हैं। ठाकुर जी ने हमें भी ये मानव शरीर दिया है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, किंतु हम इसको आहार निद्रा भय मैथुन इन चार कामों में नष्ट कर देते हैं। हमें शरीर को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। हमें ठाकुर जी का नाम देना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, किंतु ठाकुर जी का नाम लेने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है? तो एक गुरुदेव कथा सुनाते हैं कि एक घर में एक डॉक्टर का परिवार होता है, जो उसके साथ डॉक्टर के साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है कि वो ठाकुर जी का नाम लेना छोड़ देता है। तो वो उसका जो बेटा होता है एक दिन वो देखता है कि उनके घर के सामने से एक अर्थी जा रही होती है। तो जो लोग होते हैं वो बोलते हुए जा रहे होते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य, और सबको ये बात झूठी है। तो वो बेटा उसी बात को घर आके अंदर बोलने लग जाता है कि राम का नाम ही सत्य है, गोपाल का नाम ही सत्य है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, ये मत बोलो। तो बोलते क्यों पिताजी? अभी मैंने बाहर सुना कि वो लोग यही बोलते हुए जा रहे थे कि राम का नाम ही सत्य है, गोपाल का नाम ही सत्य है। तो बोलता है हाँ वो जब मर जाते तो ऐसे ही बोलते हुए जाते। तो बोलता है कि नहीं पिताजी मैंने देखा कि जो ऊपर लेटा हुआ था सिर्फ वो नहीं बोल रहा था, बाकी सब लोग बोल रहे थे। तो उसके पिताजी बोलते कि हाँ बेटा वो मर गया था ना इसलिए नहीं बोल रहा था। तो उसका बेटा उससे प्रश्न करता है कि क्या पिताजी इसका मतलब क्या हम सब भी मरे हुए हैं? तो बोलता है क्यों? तो बोलते हैं हम भी तो भगवान का नाम नहीं लेते, हम भी तो ठाकुर जी का नाम नहीं लेते, तो क्या हम सब भी इंसान मरे हुए हैं? तो अगर हम ठाकुर जी का नाम नहीं लेते तो हम भी एक मरे हुए इंसान के बराबर हैं। ठाकुर जी ने हमें शरीर दिया, हमें उनका नाम करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, हमें शरीर का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। गुरुदेव ने बताया था कि हमें मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। केवल और केवल ठाकुर जी के नाम से ही हमारी सदगति हो सकती है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते 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 गतिरंथ्या। कि ठाकुर जी का नाम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें मुक्ति तक ले जा सकता है, जो हमें इस भवसागर से पार ले जा सकता है। अगर हम ठाकुर जी का नाम नहीं लेंगे तो हमारी मुक्ति नहीं 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 हो सकती। इसलिए हमें ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। हरे वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो कल है भगवान कन्हैया जन्म लेने वाले, कृष्ण कल जन्म लेंगे, इसलिए आप सब जितने माताएं जब मैया जसोदा गर्भधारण की 6-6 महीना पहले जितने ब्रज गोपियां थी 84-84 गज की लहंगा बना करके रखे और चुंदरी बना करके रखे, इसको पहन करके हम बधाई देने जाएंगे। इसलिए आप भी तो गुजरी है ना, कृष्ण भी गुजर है, अब भी गुजरी हो, इसलिए कल बढ़िया बढ़िया साड़ी जो शादी का समय में तुम्हारे जितने साड़ी में ना जो पटरा में बंद करके रखे हो सब निकालना सबके सब, और कल बढ़िया बढ़िया सब गहना साड़ी निकाल करके सब पहन करके आना गोपी भाव से, ठीक है ना। कल भगवान जन्म लेंगे, इसलिए बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो, उसके बाद में नंद के आनंद भयो, हर जोर से बोलो जय कन्हैया लाल। इसलिए कल बड़े सुंदर रूप में हम भगवान की बधाई मनाएंगे और खूब नाचेंगे कूदेंगे ठाकुर जी की जन्मतिथि में, ठीक है। और देखो ये जो कथा है ना सब आप लोगों का है, आप लोगों ही मदद किया है इसलिए ये कथा हुई है। इसलिए आप लोग अपना घर से जैसे कोई टफी हो हैं, कोई खिलौना हो, जैसे लुटाने का चीज होता है ना, कुछ ना कुछ लेकर के आओगे। ठाकुर जी ऐसे हैं, आप ठाकुर जी को जिस रूप में ठाकुर जी को प्रार्थना करोगे ठाकुर जी उसी रूप में आ जाते हैं। ये जो प्रश्नि सुतपा पूर्व जन्म में ये राजा रानी थे, लेकिन ये कठोर तपस्या की, जब भगवान खुश हुए बोले बताओ क्या चाहिए, बोले आप मेरे लाला बन करके आना, बोले ठीक है मैं तुम्हारी लाला बन करके आ जाऊंगा। ठाकुर जी को अगर लाला रूप में प्रार्थना करोगे लाला बन करके आ जाएंगे, अगर ठाकुर जी को सखा रूप में प्रार्थना करोगे ठाकुर जी तुम्हारी सखा बन जाएंगे, अगर कृष्ण को अपना गोपी रूप में प्रार्थना करोगे आप भी गोपी बनकर कन्या जी हो जाओगे। इसलिए कल सबके सब अपना भावों से है अपना भाव को साथ में आना, कल बड़े धूमधाम से हम यह नंदो महोत्सव करेंगे। बोले श्री नंद के लाला की जय, बोले कोई जयकार नहीं देता, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राम।
आज का जो प्रसाद है, है? आज दो भक्तों ने आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की। इनका नाम है श्री हेम सिंह प्रभु जी और श्री आजू प्रभु जी। आप ये दोनों के नाम पर अब जोरदार थोड़ा ताली बजाओ, क्योंकि ये भागवत कथा है। इस कथा में जो एक अन्न का दाना देता है ना, उसका जन्म जन्मांतर के लिए उनका घर में अन्न वस्त्र का कभी अभाव नहीं रहता है। अब विशेष करके अधिक महीना, ये अधिक महीना, इसमें तो और बहुत पुण्य है। इसलिए ठाकुर जी इनके लिए शांति सुख दे, घर में खूब फलते फूलते रहे और आनंद में रहे। हाँ, और ये कहे एक भक्त हैं, हरिजन कद एक भक्त हैं, उनके घर में लड्डू गोपाल हैं, वो अभी पूजा करने में असमर्थ हो रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं, हमें बताया अगर कोई लड्डू गोपाल को ले करके कोई घर में पूजा कर सकते हैं, अगर आप लोग बताओगे ना, वो भक्त कल भगवान कृष्ण जन्म ले रहे हैं, कल वो लड्डू गोपाल को लेकर के आएंगे, और जो चाहते हैं ये लड्डू गोपाल को लेकर के हम पूजा करना चाहते हैं, अगर चाहोगे तो आप ले सकते हो। देखो, जानते हो ये ठाकुर जी कौन है, कहाँ से आए, ये साधारण नहीं है, ये ठाकुर जी, ये स्वयं भगवान कृष्ण हैं, ये साधारण नहीं, भगवान कृष्ण साक्षात। जिनके घर में ठाकुर जी की पूजा सेवा होती है ना, हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा होती है, वो घर का सारे दुख कष्ट खत्म हो जाती है। आप भगवान को जितने सुंदर रूप में सजाओगे, ठाकुर जी को जितने सुंदर रूप में आप श्रृंगार करोगे, उतना सुंदर हम सज जाते हैं। देखो, आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। ठाकुर जी ऐसे क्यों आए, एक दिन श्री नारद जी इसी मरते जगत में सब जगह पर गए, देखा सबके सब दुखी देखा, इतने में ठाकुर जी वैकुंठ में गए, भगवान अनंत नाग उभरे शयन की हुई माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही थी और सारे देवता लोग स्तुति कर रहे थे और भगवान नारायण मीठी मीठी मुस्कुरा रहे थे। इतने में नारद जी ने बताया, प्रभु ये दुनिया को आपने तो सृष्टि किया। बोले हाँ, बोले दुनिया को तो सृष्टि कर दिया आप, लेकिन हम दुनिया में गए सबको दुखी दुखी देखा। ठाकुर जी, जब तक ये जीव तुम्हारी सेवा पूजा नहीं करेगा, तब तक जीव कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, मतलब भगवान से विमुख होकर के किसी को भी शांति सुख नहीं मिलता है। रावण जैसे व्यक्ति लंका का राज्य पा करके, जिनकी सोने की लंका थी, मंदोदर जैसे पत्नी, मेघनाथ जैसे बेटा, उसको कभी जीवन में शांति नहीं मिली है। इसलिए जब तक भक्ति नहीं करेगा शांति नहीं मिलेगी। बोले प्रभु जी, थोड़ी आप नीचे उतरो, कम से कम जीव आपकी सेवा पूजा करे तभी शांति मिलेगा। भगवान ने कहा, मैं तो वैकुंठ में हूँ। नारद जी बोले, भैया वैकुंठ किसने देखा, आप लोगों ने वैकुंठ कोई देखे हो, कोई देखे हो वैकुंठ? बोले प्रभु, वैकुंठ कौन देखा, हमने देखा ही नहीं। बोले प्रभु जी, और थोड़ा नीचे आ जाओ। भगवान ने कहा, देखो मैं स्वर्ग में भी एक रूप में हूँ, वामन देव रूप में। बोले प्रभु, स्वर्ग किसने देखा, सब सुने स्वर्ग लेकिन देखा थोड़ी है। प्रभु, और थोड़ी नीचे आओ। भगवान ने कहा, देखो प्रत्येक जीव का हृदय में ठाकुर जी है। इसलिए भागवत में बताया, एक वृक्ष है उसमें दो तोता बैठे हैं, एक तोता तो मीठा फल खाता है और एक तोता खट्टा फल खा रहा है, हैं? खट्टा मीठा फल एक तोता खा रहा है, एक तोता केवल साखी रूप में दर्शन करता है। बोले भैया, खट्टा मीठा फल कौन खा रहे हैं? बोले जीव, कभी दुखी कभी सुखी, कभी दुखी कभी सुखी, लेकिन एक तोता केवल बैठ ही करके देख रहा है, वो इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। बोले वो कौन है? बोले परमात्मा भगवान है, हैं? बोले सबका हृदय में मैं हूँ। बोले सबका हृदय में तो आप हो, लेकिन हमें अनुभूति कहाँ है, हमें ये अनुभूति नहीं। प्रभु, और थोड़ा नीचे आओ। नारद बोलने पर भगवान स्वयं, ये जो ठाकुर जी गोपाल देख रहे हैं ना, लड्डू गोपाल जी, भगवान वैकुंठ से उत्तर करके ये लड्डू गोपाल रूप में ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी को दर्शन कितने दुर्लभ है, लेकिन घर में अगर ठाकुर हो ना, सवेरे इच्छा हो दर्शन कर लो, दोपहर में इच्छा हो दर्शन कर लो, शाम की इच्छा हो दर्शन कर लो। ठाकुर को कोई स्पर्श कर सकते हो, ठाकुर जी को नहीं छू सकते हो। अगर घर में गोपाल जी हो तो उनको अपना हाथों में श्रृंगार करते हो, अपना हाथों में स्नान करते हो, अपना हाथों में तिलक लगाते हो, मतलब भगवान दुर्लभ है, लेकिन जीव कल्याण के लिए भगवान वैकुंठ से
ये भगवान ये गोपाल रूप में ठाकुर जी आ गए और जीव को सेवा देते हुए, आप देखना जैसे हरि नाम करते हो, देखना कभी कभी हरि नाम तो करते मन कभी कभी इधर चली जाती है, लेकिन जब ये स्वरूप को सेवा करते हो ना मन कहीं नहीं जाता है, मन ये ठाकुर जी में ही लगा हुआ रहता है, मन मन कहीं नहीं जाता है। इसलिए ये जो ठाकुर जी ये साक्षात भगवान हैं, ये बोलते हैं, ये खाते हैं, ये सोते हैं, हमारे संप्रदाय में ये संत हुए हैं। ठाकुर जी उन्हें जब पानी में डूबे ना, ठाकुर जी अपने आप हाथों में आए, ठाकुर जी उनसे बात करते थे, बोले बेटा मेरे बड़े दिन से भूख लग रहा है, थोड़ा कुछ खाना खिलाओ। तब उन्हें रोटी सब्जी बनाए, बोले बगैर चाटनी से अंदर में जा ही नहीं रहा था, चाटनी बनाओ। तब संत थे ना, इमली पता की चाटनी बनाया, ठाकुर जी को खिलाया, बोले बड़े दिन से सोया नहीं, मेरे लिए थोड़ी सी फूल ला करके फूल की सज्जा बनाओ। सुंदर फूल लाए, ठाकुर जी को सुलाए, बोले बेटा गर्मी लग रहा है, थोड़ा पत्ता ला करके हवा करो। संत है तो कोमल कोमल पत्ते से ठाकुर जी को हवा करवाए, बोले बेटा नींद नहीं आ रही है, थोड़ा प्यार दबा दो। फिर उन्होंने ठाकुर जी की चरण दबाया। इसलिए जो भक्ति करता है ना, ठाकुर जी साक्षात रूप में ठाकुर जी उनसे बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन आप कितने प्रेम से सेवा करते हो ये चीज निर्भर करता है। इसलिए हमारे मंदिर में एक माता जी भक्त थी, वो बोलती थी ठाकुर आज देखो कद, आज ठाकुर जी रूठ करके बैठे हुए, आज मेरे को मक्खन में मिश्री, वो बोलती थी। ठाकुर जी को कोई ड्रेस पहनाया, वो अपने आप निकल, बोलती ये ड्रेस नहीं पहनूंगा, मेरे को दूसरे ड्रेस पहनाओ। वो माता जी रोज एक एक लाख हरिनाम करती थी, एक एक लाख हरिनाम करती माता जी, बड़ी सुंदर हारमोनियम बजाना जानती थी, बड़े सुंदर हारमोनियम बजा करके ठाकुर के सामने बड़ी सुंदर सुंदर कीर्तन करती थी। उसका दो बेटे विदेश में और दो बेटे दिल्ली में। वो विदेश से जो बच्चे पैसा देते थे ना, वो अच्छी अच्छी कपड़ा नहीं पहनती थी, साधारण सीधा कपड़ा पहनती थी, और महीना में वृंदावन एक बार आती थी। बच्चे लोग उसको जो हाथ खर्चा के लिए देते थे, वो वृंदावन में आकर के हर महीना में आएगी, और वृंदावन में जितने हमारे गौड़ीय मठ में जितने संतों को बुलाएगी, अपना हाथों से कढ़ी बनवाएगी, और मंदिर में प्रसाद बनता है, सबको भोजन कराएगी, और यमुना में जा करके महीना में एक बार आएगी, 30 गोता लगाएगी। क्यों बोले 30 दिन का वो 30 गोता लगाएगी, और जो राधा दामोदर मंदिर में आकर 30 परिक्रमा लगाएगी। क्यों रोज रोज का एक एक परिक्रमा। वो ऐसे ऐसे बात करती थी ना, जो सुन सुन कर दंग रह जाओगे, बोले ठाकुर मेरे से साक्षात बात करते हैं, मेरे से बोलते हैं, मेरे ऐसे खिलाओ ऐसे कराओ, नहीं तो स्वप्न देते हैं तुमने ऐसे नहीं किया ऐसे नहीं किया। इसलिए कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम हमें नचाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। अगर आप ठीक ठीक से ठाकुर को सेवा करो, देखना घर का दुख कष्ट सब खत्म हो जाएगी। क्यों ठाकुर जब सज गए तुम अपने आप सज जाओगे, ठीक है ना। इसलिए अगर किसकी इच्छा होगी, एक भक्त गोपाल करना चाह रहे हैं, आप गोपाल को अपना घर में लेकर के पूजा करें।